Hey guys, good morning. Welcome to my channel. Welcome to my another video, guys. मैंने आप लोगों से सभी से प्रॉमिस किया था कि मेरे लव स्टोरी का पार्ट सॉरी ब्रेकअप स्टोरी का पार्ट 3 मैं ले आऊँगी. और ये वीडियो आने से पहले मैं आप लोगों को इतना क्लियर करने देना चाहती हूँ, बिकॉज हमारा जो झगड़ा मेरे एक्स के साथ जो झगड़ा चल रहा था वो उससे रामपुर जाने के बाद ही झगड़ा चल रहा, कंटिन्यू झगड़ा हो रहा था. उस बीच मतलब अप्रैल 31 मार्च को गए थे, अप्रैल मई जून तक हम इन 3 महीना हम लोगों में कभी झगड़ा ब्रेकअप कम से कम 3-4 बार झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, देन पैचअप हुआ है, और वो ऐसे सिली चीज़ों को लेके हुआ है. और देन जो ये लास्ट चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को, जो ये चीज़ें था लास्ट जो झगड़ा जो भी चीज़ें था वो मैं बताने जा रही हूँ. तो ये बोलने से पहले मैं इतना ही क्लियर करने देना चाहती हूँ कि 31 मार्च से लेके जून तक इन 3 महीनों में हम लोगों में बहुत बार ब्रेकअप हुआ, बहुत बार पैचअप भी हुआ, बट उसके बीच में कोई रीज़न कोई थर्ड पर्सन नहीं था. ये जो जुलाई मंथ की मैं बात करने की हूँ लास्ट वीडियो में, तो जुलाई मंथ के 11 तारीख का तो मैंने आप लोगों को बोल दिया, देन 12 तारीख की बात करती हूँ. और इतने में झगड़े में जो भी ब्रेकअप बोलो जो भी चीज़ें हो मैंने कभी नहीं लिया. हर बार ब्रेकअप का बातें ब्रेकअप का चीज़ें मेरे एक्स बोलता था, तो मैं उसको बोलती हूँ ठीक है तुम्हें ब्रेकअप लेना जो भी लेना है तो ऑफिशियली जाके सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे जाके कंफर्म करो उस चीज़ को. बट मुझे कंफर्म कभी नहीं किया गया. बोलता था कि अभी नहीं इस डेट के बाद, अभी नहीं उस डेट के बाद. मुझे नहीं पता उनको क्या डेट का वेटिंग था. तो इट्स ओके. तो मुझे इतने सारे झगड़े इतने सारे वो होने के बाद मुझे इतना लगा हाँ हर हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा तो होता है और कहीं ना कहीं मैं डिस्टेंस में हूँ इसलिए झगड़ा हो रहा है और कुछ नहीं. देन नेक्स्ट लास्ट में जो चीज़ें हुआ आप लोगों को बोला 12 तारीख की मैं बात बोलूँगी. 12 तारीख का स्क्रीन शॉट मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, आप लोग एक बार देखो. वहाँ पर 12 तारीख सुबह तक उसने मुझे कुछ नहीं बोला था. 12 जुलाई 2003 सुबह तक उसने मुझे कुछ नहीं बोला. देन शाम के टाइम पे उनके साथ मेरा बात होता है शाम के टाइम पे. तो 12 जुलाई को सुबह को तो बात हो गया है, तो मुझे इतना ही लगा मैं गलत हूँ जो भी चीज़ है हर बार की तरह. हाँ चलो ठीक है, झगड़ा किसके बीच नहीं होता है. और वो तो वहाँ से लेके मतलब इतना है कि हाँ झगड़ा करना है छोड़ देना ये चीज़ है वो चीज़ है, बट मेरा ये था कि मैं जितना दूर रहूँगी. मैंने उनको पर्टिकुलर टाइम भी मांगा था कि मैं 3 महीने बाद आ जाऊँगी, मतलब दुर्गा पूजा के पहले मैं आ जाऊँगी, अक्टूबर तक मैं आ जाऊँगी. देन उसको उनको ये था कि नहीं कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो मैं चला जा रहा हूँ, मतलब कुछ भी हो जाए बैग उठा के चल देते थे. चलो ठीक है, मैं यहाँ पे किसी को डिफेम नहीं करना चाहती कोई भी चीज़ है, बट वो चीज़ उस टाइम पे चीज़ें जो हुआ है वो चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, दैट्स इट और कुछ नहीं. देन 12 तारीख को जब मैं उनका ब्लॉग देखती हूँ, उन्होंने तो ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि वो दोस्त के साथ गए हैं जो भी चीज़ें हैं. 11 तारीख को मैं लाइव आके बोला था कि हाँ किसी लड़की के साथ है. देन जब ये चीज़ें हुआ 12 तारीख को मैंने जब सॉरी 11 तारीख रात को मैंने लाइव तो आया 11 जुलाई रात को मैं लाइव आने के बाद मैंने सबको बोला कि वो किसी और लड़की के साथ है, दोस्त है. हाँ दोस्त है, क्योंकि ये चीज़ें रस्तुगी ने मुझे बोला था कि दोस्त है बस, तो मैंने उतना ही बोला है दोस्त है और कुछ नहीं. मैंने माफ़ी भी मांगा था उस टाइम. देन 12 तारीख को आने के बाद ये चीज़ें हुआ, मैंने उसका ब्लॉग देखा. ब्लॉग 5 बजे देखने के बाद वो लड़की जो उसको टच कर रहा था जो भी चीज़ें कर रहा था, तो मुझे समझ आ गया कि नहीं इस बार के झगड़े में हो जो भी चीज़ें हो ये चीज़ अलग है. वो लड़की लाइक ऐसे कहीं ना कहीं मुझे ये फील हुआ कि समथिंग इज़ रॉन्ग. तो मैंने उस टाइम पे रस्तुगी को कॉल किया. कॉल करने के बाद मैंने बोला तुम्हारा दोस्त है, कॉल या मैसेज किया था कि तुम्हारा दोस्त है तो तुम इसके साथ क्यों तुमने वीडियो अपलोड किया. मैंने बोला कि तुमने वीडियो क्यों अपलोड किया, तो वो बोलता है कि हाँ बस दोस्त है, मैंने कुछ गलत नहीं किया इसलिए मैंने वीडियो अपलोड किया, अगर मैं गलत होता तो मैं वीडियो अपलोड नहीं करता. तो मेरा भी समझ में आ गया कि हाँ सही बोल रहा है, चलो ठीक है. फिर मैंने उसको पूछा, फोर्स किया कि नहीं समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ है जो बताओ. देन मुझे वो अपने दोस्त के बारे में बताता है कि वो बहुत बीमार है,
मैंने बीमारी का कारण भी पूछा, क्या बीमार है, उसने वो चीज़ें क्लियर नहीं की। उसने ये बोला हाँ ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, उसके नोज़ ब्लीडिंग होता है। देन मैंने उसको बोला कि अगर ऐसा है तो जो भी उनके बारे में मैंने उस टाइम पे कन्वर्सेशन किया, करने के बाद अच्छा ही कन्वर्सेशन किया, कुछ गलत नहीं किया। देन वो फिर मुझे बोलता है कि वो लड़की बहुत बीमार है, वो अपने पास से बहुत वो किया है, और अनु तुम सोशल मीडिया पे आके ऐसा भसर वो कर रहे हो, गंदा कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम्हें पता भी है उस लड़की के बारे में, वो बीमार है, उसका नोज से ब्लीडिंग आता है, तुम कैसे उसको बदनाम कर सकते हो, मुझे बोल सकते हो ऐसी चीज़ें, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तो कहीं ना कहीं मुझे भी फील हुआ चलो ठीक है। और हम दोनों के बीच जो 3 महीने से झगड़ा हो रहा था, कभी झगड़ा कभी पैचा, तो उस टाइम पे बोला रस्तोगी ने कि मुझे बस जो है तुम अपने जगह रहो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का झगड़ा चल रहा था। उस बीच वो लड़की आ गई, देन रस्तोगी मुझे बोलता है कि मैं उस लड़की को प्रपोज करूँगा, वो तो मेरा दोस्त है अभी, बट 2 महीने बाद मैं उसको प्रपोज करना चाहता हूँ। आप लोग ये बात देख के शॉक हो जाओगे। स्नूपी क्या हुआ, रुको रुको, ठीक है, ये चीज़ें हुआ शाम के टाइम पे। रस्तोगी मुझे बोलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर उसने जब बोला कि मैं 2 महीने बाद लाइक उसको प्रपोज जो भी चीज़ें है उसको प्रपोज करूँगा, जो भी चीज़ें हैं, सॉरी 2 महीने जब मैंने उस लड़की के बारे में सुना कि वो मानसिक उसका ब्रेन प्रॉब्लम है, उसको नोज ब्लीडिंग है, जो भी चीज़ें, इस वजह से रस्तोगी उसके साथ गया था, उसको डॉक्टर दिखाना था, तो जो भी चीज़ें आप लोगों को भी पता है चीज़ें, तो वो उतना तक मुझे भी पता था कि हाँ रस्तोगी सही है, कहीं ना कहीं उस लड़की को ब्रेन का प्रॉब्लम है, उसको उसका साथ दे, इसमें कोई गलत बात नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने उसको पूछा, ठीक है कोई बात नहीं, ये बातें तो मुझे पहले भी बोल सकते, चलो। अब वो बोलता, मैंने उसको पूछा क्या तुम उस लड़की को प्यार करते हो, मैंने क्लियरली पूछा शाम के टाइम पे, जब 12 तारीख रात के टाइम पे हम लोग का जब बात हो रहा था 8 बजे फ़ोन पे, तो मैंने उसी टाइम पे उसको बोला था कि क्या तुम उस लड़की को प्यार करते हो। तो उसने मुझे इतना आंसर दिया, अगर वो मुझे केयर बहुत करता था, तुम्हें अगर कोई केयर करे, तुम्हें अगर कोई यू नो टाइम टू टाइम हर चीज़ों का खबर रखे, क्या तुम उसको प्यार करोगे, क्या करोगे। तो मैंने उस चीज़ को समझा कि नहीं, कहीं ना कहीं एज ए फ्रेंड भी हो सकता है ऐसा कोई, तो मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें प्यार होता, प्यार लगता तो शायद प्यार ही करता हूँ। मैंने बोला इट्स ओके कोई नहीं। तो रस्तोगी ने जब मुझे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया उस टाइम पे, मैंने भी समझा कि हाँ हो ही सकता है। देखो कोई किसी के साथ लाइफ लॉन्ग नहीं जाता है, कोई किसी के साथ नहीं, ठीक है, क्योंकि इस लड़की के बारे में वो सारी चीज़ें तो मुझे नहीं बताया था, जो भी चीज़ें था। देन मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो, अपना वो करो, और कुछ नहीं, मैंने फ़ोन काट दिया। काटने के बाद अब यहाँ से सोशल मीडिया से मुझे मैसेज आ रहा था, जो भी चीज़ें हैं, अनु तुम कैसी लड़की हो, वो दोस्त है, मतलब लोग सोशल मीडिया पे लोग मुझे ब्लेम कर रहा था, और कहीं ना कहीं वो सच भी था उस टाइम में उनके नज़र में और मेरे नज़र में भी, उस टाइम की बात बोल रही हूँ। तो उन्होंने जब बोला, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे उसमें मैसेज किया कि अनु तुम प्लीज़ एक बार घर जाओ, आमने सामने बैठ के चीज़ों को हैंडल करो। अब मैं जाके ये तो नहीं बोलूँगी कि हैंडल नहीं करूँगी कि चीज़ें, मैं ये तो जाके नहीं बोलूँगी ना, लोगों को नहीं बोल सकती कि चलो ठीक है रस्तोगी को वो फ्रेंड है, बट वो लड़की बीमार है, जो भी चीज़ें मुझे नहीं बताना था, बिकॉज रस्तोगी और मेरे बीच की बात थी। तो मैंने चुपचाप, और उस टाइम पे मैंने ये सारी चीज़ें ओपन अप करने की ज़रूरत भी नहीं समझा। तो फिर चीज़ें, क्योंकि मैं ये चाहती थी अगर रस्तोगी और मेरा ब्रेकअप भी हो जाता तो म्यूचुअली चीज़ें हो जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है। हाँ आगे जाके कि इतना समय इन से हम लोगों का झगड़ा चल रहा था, उसको नहीं रहना था, देखो हो ही सकता है आगे जाके कि वो अच्छा इंसान है, परफेक्ट इंसान है, उसका एज भी कम है, उसको आगे जाके मुझसे भी बेटर इंसान मिल सकता, तो मैं उसको भी बोलती थी स्टार्टिंग से लेकर, अगर तुम्हें मुझसे बेटर अगर मिल जाए तो तुम मूव ऑन कर सकते हो, ये शुरू से लेकर मेरी बात है। अगर जिस दिन मुझे लगा कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, या फिर लाइक मुझसे ज़्यादा कोई तुम्हें प्यार करता है, तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें बोलूँगी तुम उसके साथ, तुम अगर उसके साथ जाके खुश रहते हो तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगी तुम उसके साथ ही रहो। तो ये चीज़ें हुआ रस्तोगी और मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग, मतलब म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग चीज़ें। मैं ये सारी चीज़ों को, मतलब मैं अपना ब्रेकअप स्टोरी मैं पहले ही बोला था, मुझे सोशल मीडिया पे आने का कोई वो ही नहीं था, बट इतने सारे
मेरे एक्स ने इवन दुर्गा पूजा के, जब दुर्गा पूजा भी हो रहा था उस टाइम पे भी लाइव पे आके उल्टा शुल्टा बोलना, बहुत सारी चीज़ें बोला। तब तक भी मैंने इवन मेरे ब्लॉग भी किया, मेरे फैमिली को खींच के किया, कभी भी आप लोगों के सामने, इवन सोशल मीडिया पे भी कभी भी मैंने उनके घर के, उनके मम्मी भाई पापा भाई बहन, कभी भी ये ब्लॉग में बोला या कभी भी मैंने कभी कीचड़ उछाला नहीं उछाला। क्या उन्होंने बोला क्या नहीं बोला रस्तुगी के बारे में, क्या नहीं बोला, कभी भी मैंने बोला नहीं बोला। क्योंकि मुझे इतना है कि जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो उसका और मेरा दोनों का मर्जी था, दोनों आए थे, घर वालों की इजाज़त लेके नहीं आए थे। सेकंड, अब उनके जो प्रेजेंट है, अभी उनके प्रेजेंट मेरे घर में कॉल करता है, जो भी चीज़ें करता है, मैंने कभी भी उनके प्रेजेंट के घर, उनका प्रेजेंट का घर का ठिकाना, इवन उनके जो मतलब मेरे पास में है, मेरे से यहाँ से दो ढाई घंटे का, इवन उनका फुल एड्रेस मेरे पास है, कभी भी उनका प्रेजेंट बोल सकता है कि मैं उसके घर पे जाके उन लोगों ने जो कर्मकांड किए हैं वो सारी चीज़ें मैंने बताया नहीं। चलो छोड़ो इस सारी चीज़ में, मैं बाद में आती हूँ टॉपिक में। मेन बात, जब रस्तोगी ने मुझे बोला उस लड़के के बारे में तो मैंने बोला ठीक है। अब जाके आता है, फिर मैंने बोल के कॉल कट कर दिया। और ऊपर से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे बोल रहे थे सोशल मीडिया पे, क्योंकि लिटरली बताऊँ मैं इधर काम में फोकस करूँ, अपना घर देखूँ या फिर सोशल मीडिया का सारे बातें सुनूँ। ओके, फिर उसका 864 में, क्योंकि मैंने उसको नहीं बोला था कि तुम फोटो भेजो, मैं उस लड़की को देखना चाहती हूँ, ये फलाना ढमकाना, मैंने कभी नहीं बोला। उन्होंने खुद बोला क्या तुम उस लड़की को देखना चाहते हो, तो मैंने बोला हाँ, खुद से जब बोल रहा है तो हाँ देखना चाहती हूँ, अगर तुम ट्रस्ट करो तो भेजना। मैंने उसको बोला अगर तुम ट्रस्ट करो तो भेजना, अदरवाइज नहीं करना। ओके, ट्रस्ट यू बट, क्या बट, डोंट वरी, ओके देख लो। तो मैंने क्या देखा, ओके फिर मैंने उन लोगों का फोटो देख के मैंने बोला था, एक्सेप्ट किया था, नाइस जोड़ी। क्योंकि देखो मैं किसी को रोक नहीं सकती, मैं किसी को टोक नहीं सकती, कोई मेरे साथ अगर रहे, अगर ना रहना चाहे तो चलो इट्स ओके, बट वो मुझे बता के चीज़ें कर सकता था, बिना बताए वो 11 तारीख, मतलब 10 तारीख को वो चीज़ें हुआ, 11 तारीख उस टाइम पे भी मुझे लिटरली नहीं पता था कि उनके साथ एक्चुअली मैं रिश्ता क्या था। मैंने बोला नाइस जोड़ी, गॉड ब्लेस यू। तो उसने ये रिक्वेस्ट किया था प्लीज़ कभी पब्लिकली मत करना। तो मैंने बोला होप इतना ट्रस्ट तो होगा तुम्हें, ओके होप इतना ट्रस्ट होगा तुम्हें। मैं उसको, फिर वो बताता है मैं उसको प्रपोज करूँगा 2 मंथ बाद, जब मैं सब से निकल जाऊँगा, मैं नहीं चाहता सब मेस्ड अप हो जाए इसलिए। तो मैंने थंब भेजा। अब ये जो चीज़ें उन्होंने लास्ट मैसेज किया, इस ये किस बेस से किया, बिकॉज जब से वो घर गया तब से वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था। कहीं ना कहीं उसको ये था कि मैं उसको प्यार नहीं करती, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं अपने बेटे, अपने घर, अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ, जो भी चीज़ें हैं उसको ये लगा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी चल रहा था उस टाइम पे। देन आफ्टर दैट जब उन्होंने ये सारी चीज़ें बोला तो मैं समझ गई, मैं एग्री भी कर लिया, चलो ठीक है, हो ही सकता है, एक बीमार इंसान उसको अगर पसंद है तो चलो ठीक है। अब आता है जब मैं 13 तारीख की ब्लॉग देखती हूँ, गाइस आप सुनो इस चीज़ को, जब मैं 12 तारीख का उसका ब्लॉग देखती हूँ उसके साथ, 12 तारीख ब्लॉग छोड़ने के बाद वो मेरे से क्लियर करता है उस लड़की का, क्योंकि मुझे पता चल गया था, क्योंकि टचिंग वचिंग जो भी चीज़ें था। देन 13 तारीख जब मैंने ब्लॉग देखा नॉर्मली, चलो ठीक है, 13 तारीख के ब्लॉग में फर्स्ट जब उन्होंने इंट्रो किया, आपने यहाँ पे सुना, फर्स्ट जब उन्होंने उसका इंट्रो मैंने देखा, ओके देखने के बाद फिर जाके वो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जो चीज़ें एक्सप्लेन किया, ये चीज़ है, वो चीज़ है, फलाना है, ढमकाना है, ओके मैंने वो एक्सप्लेन भी देखा। देख बिकॉज उस टाइम पे मैं देखती थी ना, ऑब्वियसली मैं तो देखूंगी, पार्ट ऑफ लाइफ था उस टाइम पे। तो अब जाके मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, उस टाइम तक मैं बताती हूँ, उस टाइम तक भी मेरा वीडियोस इंस्टाग्राम में जितने भी वीडियोस था, उन्होंने प्रोफाइल कब चेंज किया इंस्टाग्राम में, 10 तारीख का जो कर्मकांड किया उन्होंने, 10 जुलाई को उस टाइम पर पासवर्ड चेंज किया था। देन उस टाइम पर उन्होंने क्या किया था, वो जो मेरा DPs वगैरह था वो हटा दिया था, ठीक है, बट रील वगैरह था मेरा, हाइलाइट्स वगैरह सब कुछ था। देन जब ये सारी चीज़ें था तो धीरे धीरे उन्होंने पूरा हाईलाइट। तो मेरा कहना इतना ही था कि अगर उसकी बात की मैं बताती हूँ, ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है गाइस, हाँ उसकी बात की मैं ये बताती हूँ। देन ये सारी जब चीज़ें हुआ तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, वो लोग खुश है तो मुझे क्या, बट स्टिल
स्टिल लाइव में आके रोना धोना आप लोग देखोगे, रो रो के आंखें फुला के आप लोगों को यूट्यूब में इंस्टाग्राम में सारे वीडियो बनाया कि अनु तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये चीज़ें वो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें किया। मैं बस मेरा ना, अगर आपके साथ ये चीज़ें होगा तो आप सीट ऐसा एक जगह पे बैठ के आपका तो सर घूमेगा ना। शायद आप क्या सोचोगे कि 3 महीने तक हम लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग चलता रहा लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से। बस उसने बोला एक बार आ जाओ। उस टाइम पे उसको भी पता है मैं नहीं आ सकता था, मेरे पास ना पैसे थे ना कुछ थे, मैं 1 महीना काम करूँगी उसके बाद ही पैसे आएंगे मेरे पास। दो फर्स्ट पैसा आया, उसको भी पता था, मैंने एक एक हिसाब दिया उसको कि मैंने अपना पैसा क्या 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 नहीं किया, रूम रेंट ये खर्चा वो खर्चा, और वहाँ पे कोई भी मेरा शॉपिंग या पर्सनल खर्चा नहीं था। रूम रेंट, घर का रेंट, वाईफाई, स्कूटी लोन, ये लोन, फलाना ढमकाना सब कुछ लोन में, वो इतना कर्जा होकर रखा था, वो चीज़ें मैं शॉर्ट कर रही थी। तो उसके बाद पैसा कहाँ से बचता। देन बात आई है ये जो चीज़ें हुआ, देन उस टाइम पे मैंने फिर उसको कॉल किया। उसने जब मुझे बोला कि वो प्रपोज करने वाला है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे भी मेरा इतना था हाँ वो प्रपोज करने वाला है, वो लोग रिलेशनशिप में तो नहीं है, प्रपोज करने वाला है, तो शायद उससे पहले जो भी चीज़ें हैं मैं शॉर्ट आउट कर लेती हूँ ये चीज़ें। कहीं ना कहीं उस टाइम पे देखो एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता, जो कि सोशली था इस चीज़ को। देन मैंने उसको कॉल किया, कॉल करके मैं यकीन नहीं मानोगे आप, मैं चीख चीख के रोया कि रस्तोगी जो भी चीज़ें हैं ठीक है मेरी गलती है, छोड़ो जाने दो, ऐसा मत करो, मेरा भी करियर है तुम्हारा भी है करियर, अपने करियर पे फोकस करो, ऐसी चीज़ें मत करो। देन वो बोलता है बस हो गया। अब वो उस टाइम पे इतना प्रिटेंड कर रहा था कि बस मुझे एक लड़की मिल गई है, मैं वो तो मुझे प्यार नहीं करता है, उसका और मेरे बीच में सिर्फ दोस्ती है, बट मैं उसको 2 महीने बाद उसके साथ बात कर रही, 2 महीने बाद मैं उसको प्रपोज करूंगा। इतना ही तो मेरे दिमाग में इतना था, सभी बोल रहा है कि एक बार जाके सामने बैठ के चीज़ें वो करो, तो मुझे ये लगा कि हाँ दोस्ती तो है, उसके लाइफ में आई तो नहीं है, तो चलो ठीक है अगर सभी बोल रहा है एक रिश्ता, इस रिश्ते को एक बार और मौका दे देते हैं, सामने जाके जितने भी गिले शिकवे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करती हूँ। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें किया, क्योंकि देखो जब इंसान शादी कर लेता है ना तो वही उसका लास्ट होता है, सब यही मान के चलते, तो मैंने उस चीज़ के चलते, मुझे तो पता था कि उसके दोस्त के साथ बात कर रहा है, मैं जब भी कॉल करती थी उसके, मतलब 12 तारीख की बात कर रही हूँ, 12 जुलाई की बात करूँ, मैं जब भी बात करती थी वो उस दोस्त के साथ बिजी रहता था। तो मैं उसको इतना ही बोलती थी आप लोग बोलो प्लीज़ बात मत करो, ठीक है 13 तारीख की बात देखो, 13 तारीख का वो चीज़ है, ओके बच्चा बिजी हो, ये 13 तारीख की बात है, बिजी हो, क्योंकि उस टाइम पे भी मुझे था कि वो तो दोस्ती है, दोस्त ऐसा कुछ वो नहीं है, फिर भी शायद गलती मेरी है, मैं अपना गलती सुधारूंगी, जो भी चीज़ है मेरी गलती है, बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच हुआ है, हर बार वही बोलता था, बट इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता तोड़ दे। तो मैंने हाथ जोड़ जोड़ के, आप लोग यहाँ पे मैसेज देख रहे हो, बच्चा बिजी हो, बच्चा एक बार आ जाओ मुझे मिलने प्लीज़, बिकॉज मुझे ये था कि मैं कन्फ्यूज़न में नहीं थी, कहीं ना कहीं मेरे लिए मिसअंडरस्टैंडिंग था उसका जो भी चीज़ था वो चीज़ें मैं क्लियर करना चाहती थी। उसके बाद वो किसी को जाकर प्रपोज करे कुछ भी करे, देन वही था मेरा मेन, एक बात प्यार मत करो, मन बोला ओके मुझे प्यार मत करो बट एक बार आ जाओ मुझे, मेरी मोटकू का दिल दुखाया है, हर्ट किया है, मेरे पता है बच्चा, तुम मुझे कितना भी इग्नोर करो कोई बात नहीं, मैं तब भी तुम्हारे प्यार करूँगी। मैंने बोला तुम कितना भी इग्नोर करो कुछ भी करो मैं तब भी तुम्हें प्यार करूँगा। कहीं ना कहीं वो जो क्योंकि उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि वो लोग रिलेशनशिप में, जो भी चीज़ें था मुझे इतना था हाँ दोस्ती है, वो जैसे कि प्रिटेंड किया था क्योंकि उसने ये बोला था ओके पागल मत बनो। तो मैंने बहुत कोशिश किया उस चीज़ को कि मुझे था कि वो अब दोस्ती है जो भी है उसका बीमारी है, उससे ज़्यादा अगर वो ज़्यादा बात करेगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए फीलिंग चला आएगा, तो मैं वो चीज़ नहीं चीज़ें चाहती क्योंकि ऑलरेडी हमारा शादी हो गया है। अगर रस्तु भी ये बोलता था कि हाँ उसका और मेरा रिलेशनशिप है, हम लोग एक साथ है, जो भी चीज़ है, तो मैं शायद कभी भी उनको इतने सारे मैसेज, इतने सारे डिस्टर्बेंस नहीं करती थी, ये उनके नज़र में डिस्टर्बेंस है ना, तो मैं नहीं करती ओके। अब जाके फिर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें होते होते
13 तारीख को भी चीज़ें हुआ। 13 तारीख जब मैंने 13 तारीख ब्लॉग देखा, 13 तारीख ब्लॉग देखने के बाद ही उसने जो मेरे नाम पे वो चीज़ें, मेरा दोस्त है बस, मैं दोस्त के साथ हूँ, उसके बाद भी अगर लोग मुझे बदनाम करता है तो आई एग्री, ओके। देन उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं बस अपने ऑनर को इन्फॉर्म करती हूँ, सर मुझे अभी घर जाना है, बस मुझे बस 15 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद मैं ज्वाइन करूँगी। तो मेरा ऑनर ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ओके ठीक है, तुम एक चिट्ठी लिख के वो दे के जाओ। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैं शाम के 6:30 बजे निकली वहाँ से। वहाँ का ट्रेन था, क्योंकि मुझे नहीं पता था, ना मुझे पता था, क्योंकि ना मैंने टिकट किया था ना कुछ, बिकॉज उस टाइम पे सच बताऊँ 10 तारीख के बाद, क्योंकि सारी चीज़ें, मेरा सैलरी 10 तारीख को आता था, तो सारी चीज़ें 10 तारीख से ही, मतलब मेरे पास पैसे नहीं थे, 4 या 5,000 ऐसा कुछ था। तो मैं स्टेशन गई, मैंने पूछा उनको, जो वहाँ पे जो मैनेजर था उनको पूछा मैंने कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्योंकि वो वहाँ का लोकल था। तो मैंने जब पूछा तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया, मुझे बोला कि यहाँ से यहाँ NJP जाओ, तुम्हें 2 दिन तक लगेंगे, इवन तुम पहुँच जाओगे डायरेक्ट NJP, मतलब डायरेक्ट सिलीगुड़ी मैं अपने होम टाउन में पहुँच जाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो वहाँ पे उठने के बाद भी मैं जब गाड़ी पे उठा उस टाइम पे भी मैंने ऑफिस में इन्फॉर्म किया, जी सर मैं पहुँच गई हूँ, मैं घर जाके मैं इन्फॉर्म करती हूँ, ओके। अब क्या होता है चीज़ें, जब मैं वहाँ से आई, 2 दिन तक मैंने रस्तुभी से बात नहीं किया, बिकॉज मुझे इतना था कि अगर उसको पता चलेगा कि मैं आ रहा हूँ तो शायद वो नहीं रहेगा, वो मुझसे नहीं मिलेगा, वो चला जाएगा। कहीं ना कहीं मैं अपने रिश्ते को कैसे भी करके मैं जकड़ के रखना चाहती थी, वो मेरी गलती थी, ओके। क्योंकि मेरा शादी हो गया था रस्तुभी के साथ, सोशली सब कुछ पता था, सब कुछ चीज़ें थी। देन जाने के बाद जब मैं आई घर पे आने के बाद, लिटरली बताओ, घर पे आने के बाद वो मुझे हग करता है। जब मैंने गेट खोला वो मुझे ऐसा करके हग करता है, हग करने के बाद फिर मैंने बोला कि देखो रस्तु की मैं गिर जाऊंगी, बिकॉज मैंने 12 तारीख से खाना पीना छोड़ दिया था, मतलब खाना छोड़ दिया था, पी रही थी ऐसा, पी मतलब पानी के ऊपर ही थी। 12 तारीख से मैंने खाना छोड़ दिया था, 12, 13, 14, 15 तारीख सुबह 5 बजे करीब मैं आई। देन आने के बाद मैं 2 दिन ना खाना ना पीना, जो भी चीज़ें हैं, मैं आके सो गई। सो जाने के बाद फिर मैं उठती हूँ 11 बजे, वो भी रस्तुगी का आवाज़ सुन के, कि वो बाथरूम में फ़ोन पे बात कर रहा है, ओके चलो ठीक है, उस टाइम पे बात कर रहा है। तो मैंने उसको आके समझाया कि देखो हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है इन 3 महीनों में, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, चलो हम अपने रिश्ते को एक अलग से शुरुआत करते हैं, हम एक रिश्ते को एक अलग सा स्टार्टिंग करते हैं। तो जो भी चीज़ें था उस टाइम पे, और मैं आप लोगों को ये एक चीज़ इन्फॉर्म कर दूँ कि रस्तुगी के साथ मेरा जो भी कन्वर्सेशन है, जो भी चीज़ें हैं, मैं जब बात किया, तो रस्तुगी के एक करीबी दोस्त है, उनके जो वाइफ है, वाइफ फियांस जो भी है, उनको स्टार्टिंग से लेके पता था। उन्होंने ही मुझे वो बोला था, उन्होंने ही मुझे फोर्स करके बोला कि देखो अनु, वो अभी रिलेशनशिप में नहीं है, वो लड़की के साथ बस बात कर रहा है, तुम जाके एक बार देखो क्या नहीं है क्या है। अगर सामने जाओगे ना, ऑब्वियसली तुम इतने महीने तक, मतलब 2-3 महीने तक तुम उससे दूर रहे, इसीलिए कहीं ना कहीं वो लड़की बीच में आने को टाइम मिला उसको। अगर तुम दोनों दूर नहीं रहते तो शायद वो लड़की बीच में नहीं आती। तो कहीं ना कहीं उस दीदी का बात भी सुन के, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस इंसान है, तो मैंने बोला हाँ चलो ठीक है। तो मैं घर आई, घर आने के बाद फिर मैं सोई, उस टाइम तक मैं बता दूँ, उस टाइम पे भी रस्तुगी अपना फ़ोन अपने पास ही, उस टाइम तक रस्तुगी का पासवर्ड चेंज हो गया था, आईफोन का पासवर्ड आपको पता ही है, फेस लॉक और कीपैड का जो नंबर होता है उसी में, तो उसने ऑलरेडी पासवर्ड, अपना फेस आईडी एंड पासवर्ड चेंज करके रखा था। तो उस दिन जिस दिन मैं आई, मैंने उसका फ़ोन वो नहीं देखा। उस दिन आने के बाद जिस दिन मैं आई, मैं आप लोगों को एक शॉट भी लगा लूँ, एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। जिस दिन मैं आई, उस दिन जो लड़की थी उसको पता था कि मैं आ गई, बिकॉज सुबह रस्तुगी ने उसको कन्फर्म कर दिया था कि मैं आ गई। आने के बाद अब बातें ये हुआ कि कोई भी एक वाइफ को गुस्सा क्यों नहीं आएगा। बस आप अगर किसी की वाइफ हो, बस आप मुझे इतना आंसर कर देना। अब जब मैं आई, उस टाइम पे तो पति था ना, था थी जो भी चीज़ें हैं, मैं उसका वो नहीं बोल रही, उस टाइम की बात बोल रही। अगर उस टाइम पे एक वाइफ अगर घर आती है, तो जब रस्तुगी का आप देखोगे, वो लड़की कंटिन्यूसली उसको कॉल किया, मैसेज किया,
ठीक है, मैसेज करने के बाद भी जब चीज़ें मैं आपको, आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट दिखाना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कर रही हूँ, मैं उस लड़की को ना ब्लेम कर रही हूँ, बट उस सिचुएशन में जो उस लड़की ने किया तो ऑब्वियसली उस टाइम पे मैंने उसको ब्लेम किया था। तब तक मैं उनके साथ बात नहीं करती थी, मुझे नहीं पता था चीज़ों का। मुझे इतना पता था कि मेरा पति अच्छा है और कुछ नहीं, ठीक है। कहाँ गया, मैं ना ढूंढ के फिर आ दिखाती हूँ आपको। ओके, तो गाइस आप लोगों के पास ये स्क्रीनशॉट तो आया होगा, आप देख रहे हो। पता है मुझे कब निकल रहे हो, वहाँ एक साथ मत रहना, ठीक है। क्योंकि ये रस्तुगि के चैटिंग था उनके प्रेजेंट के साथ, मतलब अभी जो है उस टाइम की। मुझे जो पता था कि ये फ्रेंड है, तब मेरा दिमाग हुआ कि एक दोस्त होके वो अपना लाइफ बर्बाद करने के लिए बोल रहा है, कि उसको पता है उसका बीवी चला आया पास में। तो एक अगर दोस्त होता है तो इंसान क्या करता, चलो ठीक है। अगर उनको मिसअंडरस्टैंडिंग भी था तो मुझसे बात करता चीज़ें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, रस्तुगि का ब्लॉग देख रही हूँ। क्योंकि उस टाइम पर रस्तुगि ने ब्लॉग में यही है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो जब मैंने इनका जब मैसेज ये सारी चीज़ें पढ़ा, तो मेरा एक ही क्वेश्चन है कि एक दोस्त हो के मेरा घर क्यों तोड़ रहा है। ठीक है, तुम मिले हो, तुम दोस्त हो, क्योंकि उस टाइम पे भी मुझे इतना ही पता था कि ये बस एक दोस्त है। क्योंकि रस्तुगि को ये पसंद है, ये रस्तुगि ने बोला था ये लोग रिलेशनशिप में नहीं है, ये सिर्फ दोस्त है। बट रस्तुगि इसको 2 महीने बाद प्रपोज कर रहे हो, माने ठीक है 2 महीने, अभी तो इनका रिश्ता उतना गहरा हुआ नहीं है, 2-3 दिन का दोस्ताना है, ऊपर से ये बोल रहा है। तो मुझे उस चीज़ में बहुत गुस्सा आया। तो फिर मैंने बोला इस उस टाइम पे रस्तुगि को बोला कि देखो ये सारी चीज़ें मैं इतना बोलूँगी, तुम्हारा मेरा जो रिश्ता है वो सोशली ओपन है, प्लस इतने सारे न्यूज़ चैनल में आ गए हैं, चीज़ें सब कुछ ओपन अप है, बट ये लड़की ये सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हारे साथ बात कर रहे, ओके मानती हूँ, इसका इसको हेल्थ इशू है, ओके मानती हूँ। बट इसको जब पता लगा है कि मैं तुम्हारा अब घर आ गई हूँ, तुम मेरे साथ हो, तो वो कैसे ऐसे मैसेज कर सकता था। क्योंकि उस टाइम पे से मैं जज कर रही थी उस लड़की को, क्योंकि उस लड़की को मैं जानती नहीं थी। मैं तो ऑब्वियसली मैं रस्तुगि को जानती थी, क्योंकि वो मेरे साथ 2.5 साल 24 आवर्स थे, तो मैं तो उसी को जानूंगी, उनको तो नहीं जानूंगी ना, उनके दोस्त कौन था क्या नहीं था। तो उस टाइम पे मैंने उनको इतना बोला कि देखो वो लड़की, मुझे लगा उस टाइम पे वो लड़की, हम हस्बैंड वाइफ के बीच में दरार फैला रहा है, वो लड़की आई थिंक कहीं ना कहीं वो लड़की ये चाहता है कि बस तुम उसके पास चले जाओ और कुछ नहीं। बिकॉज उस टाइम पे रस्तुगि ने देन और एक सेकेंड जब मुझे ये बोला, ये उस दिन की बात है जब मैं आई थी, 15 तारीख की बात है। आने के बाद फिर उन्होंने ये किया, मैंने आपके बात की बैठ के, ओके इतने सारे मैसेज, इतने सारे वीडियो, अब जाके आप ये वाला वीडियो देखो। ये वाला वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं खुद कंफ्यूज थी, और मुझे वो कंफ्यूजन मुझे तो बाद में क्लियर हुआ, बट आप लोगों को मुझे क्लियर करना था चीज़ें, तो इसलिए मैं चीज़ें बाहर लेके आई हूँ। एक सेकेंड ना, मैं वो वीडियो निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग ये वीडियो देख पाओगे, ये जो वीडियो है मैं प्ले कर रही हूँ, ये उस दिन की वीडियो है। मैंने रस्तुगि को बोला कि देखो वो लड़की लिटरली झूठ बोल रहा है, वो कोई हॉस्पिटल में नहीं है, मुझे जितना फील हुआ, क्योंकि मैं मुझे जितना बोला था, मुझे मेरे पास तो प्रूफ नहीं था, बिना प्रूफ के तो मैं नहीं बोल सकती ना, तो इसलिए मैंने उसको उसका जो हरकतें था वो हरकतें देख के मुझे लगा था कि वो लड़की झूठ बोल रहा है और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में नहीं है, बस गुमराह करना चाहता है, ये चाहती है कि रस्तुगि मेरे साथ ना रहे, दैट्स इट। देन मैंने बोला ठीक है, तुम उसको पहले मैंने बोला रस्तों की बौक लगा कि नहीं वो बीमार है जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो मैंने बोला अगर वो लड़की बीमार है मैं खुद तुम्हें लेके जाऊंगी उस लड़की के पास, तुम जाना और तुम उसको देखभाल करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो लड़की तुम्हें प्यार नहीं करता है, तुम लोग बस दोस्त हो, तुम्हें पसंद है वो लड़की, चलो ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है वो लड़की मैं साथ दूंगी तुम्हारा, ठीक है, कोई दे या ना दे मैं साथ दूंगी, मैं दुनिया के सामने आके बोलूंगी कि वो रस्तुगि पसंद है उसको, बस इतना मैं आके बोलूंगी, बट तुम एक बार उसको कॉल करके कन्फर्म तो हो लो, अगर तुम कॉल करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स भी होगा कि वो वहाँ पे वो कैसा है क्या नहीं। तो बोला वो अकेली रह, रस्तुगि ने मुझे उस टाइम पे बोला था कि वो अकेली रहती है, वो किसी को वो कौन मतलब
कोई नहीं है उसको देखने के लिए। मैंने बोला ठीक है, वो लड़की अगर बीमार है हॉस्पिटल में है तो नर्स वगैरह तो होगा वहाँ पे, अगर किसी इंसान का किसी पेशेंट का कॉल आ रहा है इतना तो नर्स तो उठाएंगे कॉल, वो तो इन्फॉर्म करेंगे ना, तुम टेंशन मत लो, तुम बस एक बार कॉल करो। तो जब रस्तोगी ने जब वीडियो कॉल किया तो उस टाइम पे उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, वीडियो कॉल रिसीव नहीं किया, सिर्फ वॉइस कॉल में बात कर रहा था, क्योंकि वीडियो कॉल अगर रिसीव करेगा तो पता चल जाएगा। देन वो वीडियो कॉल जब रिसीव रस्तोगी जब गुस्सा होके बोला, देन वो लड़की ने वीडियो कॉल रिसीव किया। रिसीव करने के बाद जब देखा, और मैंने जब देखा, लिटरली मैंने जब उस लड़की को देखा उस टाइम कि वो हॉस्पिटल में नहीं थी, वो चर्च के बाहर खड़ी थी, बाहर बैठी थी, और वो लाइक होता ना कि एज ए सलवार सूट पहन के वो बैठी थी वहाँ पे टिप टॉप होके, मतलब यू नो लिपस्टिक वगैरह पोनीटेल करके वो अच्छे से सर सवर के बैठी थी। तो मैंने जब वीडियो कॉल में देखा, रस्तों की बात किया उस टाइम पे, जब मैंने देखा मैं लिटरली हंसी, मुझे इतना हंसी आया, इतना हंसी आया, यार कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है। चलो ठीक है, जस्ट बिकॉज रस्तों की उससे मिलने गया था, उसको रस्तों की पसंद है, ओके चलो ठीक है, बट उसको तो इतना पता होना चाहिए कि हम हस्बैंड वाइफ है। तो मैंने इस चीज़ को रस्तोगी को भी समझाया कि देखो जो भी चीज़ें हैं, उस टाइम तक भी नहीं पता था मुझे कि रस्तोगी और उसका रिलेशनशिप है या कोई है, रस्तोगी बस मुझे इतना बोला था कि वो उसका दोस्त है, एज ए फ्रेंड जोन वो बात करता है, एज ए फ्रेंड जोन वो मिला था, दैट्स इट और कुछ नहीं। चलो मेरा सजेशन वहाँ पे वही था कि चलो ठीक है, अब जाके ये तब भी मेरा कहना ये था कि तुम मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो, अब भी मेरा ये यही कहना है कि तुम मुझे बदनाम क्यों किया, मेरे कंधे पे गोली क्यों चलाया रस्तोगी, मुझे बस इतना ही कहना है। देन क्या हुआ उस टाइम के, जिस दिन 15 जुलाई मैं आई यहाँ पे, आने के बाद जब मैंने रस्तोगी को दिखाया सच्चाई, जब मैंने उसको दिखाया तब उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं लिटरली ये लड़की शायद मेरा घर तोड़ने के लिए या जो भी चीज़ है उसने झूठ बोला। ओके, झूठ बोलने के बाद अब आता है, ये वीडियो मैं प्ले करती हूँ आप लोग सिर्फ देखो, मैंने खुद वीडियो बनाया था, ये मैंने इसलिए वीडियो बनाया था, तो जब लड़की ये मैनिपुलेट कर रहा था तो मुझे पता था कि ये लड़की आगे जाके हम हस्बैंड वाइफ के बीच, अब तो हम ठीक हो जाएंगे जो भी चीज़ है, ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जो भी चीज़ है, इसीलिए मैंने कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता बचाने के लिए, हमारा चीज़ें ओपन करने के लिए मैंने इस लड़की का वीडियो बनाया था। वीडियो लाइक जो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखोगे, एक एक जो प्रूफ होगा मैं उस लड़की के लिए लेके रखा, बिकॉज उस लड़की को मैं पर्सनली नहीं जानती थी, मैं जानती थी रस्तोगी, और रस्तोगी को मैं देख रही हूँ, जान रही हूँ, तो मुझे इतना था हाँ रस्तोगी मैं जो देख रही हूँ, जो चीज़ें मैं फील कर रही हूँ कि हाँ रस्तोगी को वो लड़की फोर्स कर रहा है चीज़ों को लेके, जो कि आप लोगों को यही तक यही लगा होगा अब तक। अब देखो इस ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन फर्स्ट मेरे सामने रस्तोगी ने उस लड़की के साथ बात किया, और वो लड़की पागल हो गए थे क्योंकि मैं आ गई थी घर पे और रस्तोगी मेरे साथ ही था, क्यों नहीं रहेंगे, पति था, इतना तो समझ में होना चाहिए था उस टाइम पे। चलो ठीक है, मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूँगी, कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत मेस्ड अप हो रखा था, क्योंकि तब तक भी मैं उस लड़की के साथ बात नहीं किया था, उनका मानना ये था कि मैं गलत हूँ, मैं वो चीज़ें हूँ, चलो आई एक्सेप्टेड दैट, ठीक है उनके नज़र में था, उनको तो एक रियलिटी पता नहीं था, इसलिए वो मुझे जज कर रहे थे वो लड़की, और मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है वो लड़की मुझे जज, बिकॉज वो लड़की मेरा पार्ट ऑफ लाइफ नहीं था, बट रस्तोगी मेरा पार्ट ऑफ लाइफ था, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो ये वीडियो आप लोग देखो। तुम झूठ बोल रही हो मुझसे लिटरली। मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा हूं मैं, वो चली गई। तुम झूठ क्यों बोल रही हो मुझसे, तुम्हें पता है तुम्हारे हॉस्पिटल जाने के चक्कर से। अब जो ये वीडियो आप लोगों ने देखा,
तो आप लोगों को क्या लगा कि मैं उस टाइम पे किस सिचुएशन में थी? मैं एक तरह खड़ी थी कि अपने पति को इस लड़की से बचाना है, अपने रिश्ते को बचाना है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगा था कि ये लड़की मेरा घर बर्बाद कर रहा है, रस्तोगी का करियर खराब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बिकॉज इस लड़की के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। देन ये सारे होने के बाद फिर मैंने बोला कि देखो इस लड़की को, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रस्तोगी को बोला कि देखो इस लड़की को फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक करो, ब्लॉक करो, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं कर दूंगी, क्योंकि ये लड़की कहीं ना कहीं हमारा खराब कर रहा है और कुछ नहीं। इतना कुछ समझाने के बाद जब रस्तोगी ने देखा कि उसने लिटरली झूठ बोला, क्योंकि मुझे भी उस टाइम पे वही चीज़ था, मैं उस लड़की से बात नहीं किया, वो लड़की कंटिन्यू मुझे कॉल करता रहा, कंटिन्यू मुझे, सॉरी मुझे नहीं, कंटिन्यू वो लड़की कंटिन्यू रस्तोगी को कॉल करता रहा। तो मैंने उस टाइम पे बोला रस्तोगी ब्लॉक करो, जो भी चीज़ें हैं देखो इन पचड़े में पड़ना नहीं है, हमें हमारा करियर देखना, हमारा यूट्यूब, हमारा इंस्टाग्राम, जो भी चीज़ें, इतने सारे हमारे फैमिली है, हमें ट्रस्ट करते हैं। देखो हर किसी के लाइफ में जो भी चीज़ें हैं होता है, बट चीज़ों से निकलना भी ज़रूरी बहुत होता है। तुम पहले इस सिचुएशन को देखो। तब तक गाइज मैं इसलिए समझा रही थी कि तब तक भी मैंने नहीं देखा था रस्तोगी और उसका, बिकॉज वो सारे एविडेंस, वो सारे फोटोज, वो सारे स्क्रीनशॉट रस्तोगी के फोन में था, तो मुझे नहीं पता था चीज़ें। तो एज ए जब मुझे नहीं पता था, इवन रस्तोगी ने मुझे क्लियर भी नहीं किया था कि वो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो मैं कैसे, लाइक उस टाइम पे मैं, मुझे क्या लगेगा। देन उसके बाद भी 3 दिन तक, वो जो बोलते हैं ना वर्डस डे, 3 दिन उसके बाद आप लोगों को पता ही होगा कि 14 तारीख के बाद कोई ब्लॉग नहीं आया था, डायरेक्ट 24 तारीख को ब्लॉग आया था उनका। तो 14 तारीख या 15 तारीख, मुझे उतना भी याद नहीं है। देन ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर मैं जब देखती हूँ रस्तुगी को, जब मैंने बोला चलो छोड़ो जाने दो, देन उसके बाद रस्तुगी भी, मतलब एक दिन, वो पूरे दिन तो उसने, मतलब 15 तारीख तक तो मुझे वो सारे एविडेंस वगैरह, मतलब एविडेंस 15 तारीख तक उसने ना उसका पासवर्ड दिखा ना जो चीज़ें दिखाया था। तो धीरे धीरे हम लोगों में चीज़ें शॉर्ट आउट होने लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, अब मैं जॉब छोड़ छाड़ के आई हूँ, अब यहीं पे मेरा एक दोस्त है जो लीड्स देता है, मैं उसके साथ भी बात करूँगी। इवन उसको भी लेके गया था कि ये मेरा दोस्त है, देखो सलून खोला है और इसके साथ मेरा पार्टनरशिप में ये लीड देगा मुझे, उससे वो 40% लेगा, मुझे 60% देगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा और फ्रीलांस है तो अब हम लोग ऐसे ही चलेंगे, कोई पैसों का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर कवर करेंगे उस चीज़ को। ओके, अब आता है मेन पार्ट। अब जब ये सारी चीज़ें हुआ होने के बाद रस्तोगी को भी लगा हाँ चीज़ें अब शॉर्ट आउट हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं अब कभी मुझे ये बोलता हाँ ठीक है जो भी हुआ है हम फिर से शुरू करते हैं, कभी उसका दिमाग, मतलब वो ना खुद स्टेबल नहीं था, कभी मुझे बोल रहा था ठीक है फिर से शुरू करना है फिर से, कभी ये बोल रहा था कि नहीं मुझे नहीं रहना है, मुझे बस घर जाना है रामपुर। तो मैंने बोला चलो तुम्हें रामपुर जाना है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक टाइम के लिए भी मैं उसको अकेला नहीं छोड़ रही थी कि चलो ठीक है मैं भी, क्योंकि मुझे पता है मैं उसको अकेले चलूँ वो लड़की इसको मैनिपुलेट करेगी, घर बर्बाद करेगी, क्योंकि रस्तोगी उस टाइम पे एक जगह पे था, इस जगह पे लड़की था, इस जगह पे मैं थी, तो मेरा पल्ला तो ज़्यादा भारी था, बिकॉज मैं उसकी बीवी थी, सोशली हम लोगों का सारा चीज़ें होके रखा था, बस उस लड़की नई नई 2-3 दिन की आई थी जो उसको मैनिपुलेट कर रही थी चीज़ों को लेके। मैं उस टाइम पे रह के, अगर आप लोग सोचोगे आप लोग मेरे साथ, तो आप लोगों को क्या लगेगा। देन उसके बाद उसने नेक्स्ट डे उसने अपना फ़ोन का पासवर्ड दिया, देने के बाद नेक्स्ट दिन जब उसने मुझे अपना फ़ोन का पासवर्ड वगैरह दिया, देने के बाद तो मैंने देखा पासवर्ड तो खोला, खोलने के बाद मैं डायरेक्ट ना इंस्टाग्राम के, मैं फोटो गैलरी में तो नहीं गई थी, मैं डायरेक्ट ना इंस्टाग्राम में चली गई थी उसके, बिकॉज उसके इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज कर दिया था तो वो उसी के फ़ोन में था। तो उसने जब मुझे एक्सेस वगैरह दिया उसी के फ़ोन का, तो मैंने जाके डायरेक्ट, क्योंकि रील वगैरह बनाना था, जो भी चीज़ें था, ब्लॉगिंग स्टार्ट करना था, शुरू से सब कुछ, मतलब शॉर्ट आउट करना था, क्योंकि देखो मेरा इतना था कि हम लोगों के बीच में जो भी झगड़ा हुआ, जो भी चीज़ें हुआ, एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, एज अ सोशली पब्लिकली हम रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारे खराब चीज़ों को चलते, अगर ये खराब चीज़ आप लोगों के सामने आएगा तो कहीं ना कहीं आप लोग भी बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे, आप लोग भी कहीं ना कहीं ये सोचोगे कि कैसा है चीज़ है, ये है वो है, कहीं ना कहीं रस्तोगी को वो चीज़ें जज करोगे, तो मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए था। एज अ वाइफ मैं सोचती थी मेरा पति अगर चलो ठीक है गलत भी है तो मेरे लिए सही है और मैं हमेशा अपने पति के साथ खड़ी रहूँगी। तो उसके बाद उसने जब मुझे दिया सब कुछ एविडेंस, मतलब जब उसने अपना पासवर्ड दिया फ़ोन का, तब मुझे क्या हुआ कि मैं डायरेक्ट जाके ना फ़ोन गैलरी तो चेक नहीं किया,
मैं जाके चेक किया इंस्टाग्राम में, जो ड्राफ्ट में हम लोग वीडियो रख देते हैं ना, तो इंस्टाग्राम मैं उसका चेक कर रही थी। इंस्टाग्राम चेक करते करते मैसेज भी मैंने चेक नहीं किया उस टाइम पे, तो उसका जो ड्राफ्ट था, तो ड्राफ्ट मैंने देखा फर्स्ट, मैंने उसका इंस्टाग्राम का ड्राफ्ट चेक किया। ड्राफ्ट जब मैंने देखा तो तब मैंने देखा 10 तारीख का जो सीन था ना, 10 जुलाई वो जो उस लड़के के साथ मिला था, तो आप लोग देखे ही होंगे। मिलने के बाद वो लोगों ने किस टाइप का वीडियो बनाया था, लाइक उस टाइम पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उसका जो चीज़ें था वो मैंने देखा, और उस लड़की के साथ ऐसा वीडियो मैंने वो बनाया था, रोमांटिक वाला वीडियो। तब मैंने बोला नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग। और जब मैं देख रही थी रस्तोगी को, तो बस इतना है कि मैं, उसने गलती किया, वो गलती पकड़ में आया तो वो हंस रहा था। मैंने चलो ठीक है। मैं उस टाइम पे ना, ऐसा होता है ना, बिजली कड़क के मेरा सर में गिर गया कि उसने, रस्तोगी ने सिर्फ मुझे इतना बोला था कि हाँ 2 महीने बाद वो उसको प्रपोज करेगा, बट उसके साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। उसके साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। देन जब मैंने गैलरी पे गई, गैलरी पे जाके मैंने जब चेक किया, वो वीडियो आप लोग देखोगे, तो एक वाइफ के ऊपर क्या बीतती है कि उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि वो सिर्फ दोस्त है, बट अभी मुझे उसको पसंद है कि मैं उसको 2 महीने बाद प्रपोज करूँगा। तो वो वीडियो बाद देखने के बाद ऑलरेडी मुझे समझ आ गया था कि क्यों उसको 2 महीने बाद प्रपोज करेगा, क्यों उसको वो पसंद आएगा। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद भी, ये लव बाइट के आप देखते हो कि आपके पति किसी के साथ जाके, यू नो, अपना जो किसी के साथ जाके अपना वो चीज़ें शेयर करके आता है, आप देखने के बाद भी, आप वाइफ हो, आप देखने के बाद भी आप सोचते हो कि चलो ठीक है, गलती कर दिया ना, चलो ठीक है। शायद आप उस टाइम पे भी, लिटरली बताओ गाइज, उस टाइम पे भी मैंने अपने को ही ब्लेम किया कि शायद मेरी ही गलती थी, मैंने ही इतना टाइम दूर रहा, मैं ही इतना टाइम उसको शायद टाइम नहीं दिया, शायद उसने इसलिए गलती किया, ये सारी चीज़ें। तब जाके मैंने उसको क्लियरली पूछा कि ये सब कुछ क्या है, मैंने दिखाया उसका फ़ोन से उसका वीडियो वगैरह देखा, क्या है ये सब। तो वो हंसने लगा, वो हंसी, एक बेशरम इंसान का जो हंसी है वो भी था, प्लस एक आँख में जो एक गिल्ट होता है वो भी था। देन मैंने जब देखा, जब सिचुएशन को, उसके सिचुएशन को जब समझा कि नहीं चलो, गलती इंसान से ही होता है, तो मैंने उसको क्लियरली बोला ठीक है, जो भी हो गया, देखो करियर का सवाल है, यूट्यूब में अगर देखो, हम एक नाम बनाने में ना अपना पूरा ज़िंदगी गुजार देते हैं, बट उसको गंवाने में 2 सेकंड नहीं लगते हैं, ठीक है। तुमने ये गलती किया, ये चीज़ें किया, तुम मुझे पहले क्लियर कर देते तो बात अलग होता, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं क्लियर किया। अगर तुम मुझे पहले क्लियर करते तो शायद मैं नहीं आती सिलीगुड़ी कि तुम उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो। और मैं उस टाइम की सिचुएशन में मैं बता दूँ, मैंने, उसने बोला कि चलो ठीक है, हम अपने रिश्ते को एक नाम स्टार्टिंग से, न्यू से स्टार्ट करेंगे। मैंने भी एग्री किया, चलो ठीक है। मैं इतना कुछ देखने के बाद भी मैंने इसको बोला चलो जाने दो, जो हो गया हो गया, लाइफ में तूफान आता है तो कहीं ना कहीं हम ये सोच के हम चुप रहेंगे कि वो तूफान तुम्हारे लाइफ में भी आया था, तुम टेंशन मत लो, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी, बस जाने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की इज्जत लोग उछालें। मैंने उसको ये बोला था। देन मैंने उसके फ़ोन से जितने भी उस लड़की के साथ, बिकॉज उस वीडियो में मैं देख रही थी, वो लिटरली वो लड़की उसको हक करना, उसको ये करना वो करना वो कर रही थी, रस्तोगी नहीं कर रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं वो चल रहा था कि हाँ शायद ये लड़की ही पागल है, सच बताओ ऑनेस्टली, क्योंकि उस टाइम पे भी मैं उस लड़की के साथ बात नहीं कर रही थी। देन जाके ये सब जब चीज़ें हुआ कि वो लड़की का वीडियो देखा मैंने, उन लोगों का चैटिंग पढ़ा, इवन वो लड़की का चैटिंग भी मैं आपको एक दिखाना चाहती हूँ, आप लोग ये चैटिंग एक बार देखो, ये जो चैटिंग है ना वो उन्होंने रस्तोगी को वो किया था, ये जो चैटिंग है वो तब की बात है जब मैं वो किया था लाइव में आके, सॉरी बोला था कि सॉरी मुझसे गलती हो गया है, ये हो गया होगा, तो ये उन लड़की का मैसेज है, ये रस्तोगी के फ़ोन से ही लिया हुआ है मेरा, क्यों, बिकॉज रस्तोगी के खिलाफ नहीं, रस्तोगी और मेरा इन फ्यूचर अगर वो लड़की कभी प्रॉब्लम करे हमें, तो मैं ये सारे एविडेंस चीज़ें मैं दिखा सकती हूँ आप लोगों को कि ये लड़की ही उसके पीछे पड़ा था। चलो ये उस टाइम की वो आप देख सकते हो, जान पहले ये सब ठीक होने दो, जान
ये चीजें उस लड़की ने, ये कब की मैसेज स्क्रीनशॉट है पता है, मैं बताती हूँ, जब रस्तोगी और मेरा मतलब सोशली मैंने आके बोल दिया था रस्तोगी किसी लाइव में लड़की के साथ है, झगड़ा हो रहा था जो भी चीज़ है, उस टाइम की बात है। मैं उस टाइम पे आंध्र प्रदेश में रह रही थी, उस टाइम की चैटिंग है ये रस्तोगी के फोन से मिला। ओके, क्या ठीक होने दूँ वरना फिर से नया बखेरा खड़ा करेगी। अरे भाड़ में जाए उस ना, भाड़ में जाए। ओके, बी वीडियो कॉल पे बी बेबी या बी कुछ ऐसा बोल रहा था, वीडियो कॉल पे रहो काफ़ी है, चिल बी विथ मी ऑन वीडियो कॉल। ये वीडियो कॉल भी कर रहा था, प्लस ये मैसेज टेक्स्ट मैसेज भी कर रहा था उस टाइम पे, जब मैं उस टाइम पे थी। तो जब मैंने इस लड़की का मैसेज वगैरह देखा तो मुझे ये तो 100% 200% पक्का हो गया था कि यही वो लड़की है जो रस्तोगी का दिमाग खा रहा है। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में क्यों आना, मेरा ये सारा क्वेश्चन था कि तुम जब देखते हो कोई हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा हो रहा, चलो ठीक है माना कि रस्तोगी और मेरा 2 महीने से 3 महीने से झगड़ा चल रहा है, पैचअप हो रहा है, झगड़ा चल रहा है, पैचअप हो रहा है, तो तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे अगर उन लोगों का ब्रेकअप, मैंने बाद में जब उनसे बात किया कि ये सारी चीज़ें ब्रेकअप होने एट ऑल, तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो ना मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, और मुझे ये भी नहीं पता क्योंकि मुझे इतना ही था, रस्तोगी ने भी इतना ही बोला था कि तुम लोगों में ब्रेकअप हो गया था, बाद में उनका साथ बात हुआ था कि तुम लोगों का बात मतलब तुम लोगों के साथ ब्रेकअप हो गया था। मैंने तब उसको ये क्वेश्चन किया, अच्छा चलो ठीक है, अगर किसी के साथ हमारा ब्रेकअप हो जाता है क्या मैं उसका डीपी रखती हूँ सोशली अपने इंस्टाग्राम में, क्या मैं उसका इंस्टाग्राम में उसका जितने भी वीडियो है जितना भी वो मोमेंट है मैं उसको हाईलाइट करती हूँ, हाईलाइट करके रखती हूँ अपने प्रोफाइल में। कभी भी कोई भी किसी के साथ ब्रेकअप हो जाता है ना तो सबसे पहले उसका डीपी हटता है, सबसे पहले उसका चीज़ें हटता है। तो तुम जो ये सब कुछ कर रहे थे स्टार्टिंग से लेके, ये तो गलत है ना। ठीक है माना, तब मैंने उस लड़की को ये समझाया क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतना ही पता था कि वो बीमार है वो, तो मैंने उनको बोला कि देखो होता है, अब चलो अनजाने में ही सही तुम हमारे बीच आ गए हो, मैं उस लड़की को बोला अनजाने में ही सही तुम हमारे बीच आ गए हो, कोई बात नहीं, देखो हर लड़की के साथ ऐसा होता है, तुमने बाय मिस्टेक रस्तोगी को ऐसा ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, मैंने बोला उसको तुमने रस्तोगी को ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, उसके बाद भी एटलीस्ट तुम्हें एक बार भी तुम्हें मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए था, अगर तुम मुझसे कांटेक्ट करते इन सारे देख, किसी को इंसान को क्वेश्चन तो होना चाहिए ना, उसके साथ अगर ब्रेकअप हो गया तो उसके लिए वीडियो क्यों बना रहा है, उसके लिए रील क्यों बना रहा है कि मैं वेट कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, तो उसके लिए उसका डीपी क्यों है सोशली इंस्टाग्राम में, या फिर उसका रील्स क्यों हाईलाइट किया हुआ है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने उसको क्वेश्चन पुटअप किया। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि तो आप तो चले गए थे उसको छोड़ के, उसको जब प्रॉब्लम था, मैंने उस टाइम पर बोला देखो मैं चली गई थी, मैंने उनको एक्सप्लेन किया मैं चली गई थी बिकॉज मुझे पैसों का प्रॉब्लम था, रस्तोगी को भी पता था ये चीज़ें कि उस टाइम पर पैसे का क्या दिक्कत हो रहा था। ठीक है, जो भी हो डियर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ प्लीज़ हमारे लाइफ में इंटरफेयर मत करो, प्लीज़ रस्तोगी को कॉल करना बंद करो प्लीज़, मैंने उनको रिक्वेस्ट करके बोला क्योंकि उस टाइम पे मुझे भी था कि बाय मिस्टेकली ये लोग किए हैं ये सारी चीज़ें। चलो ठीक है, अब मैंने उनको ये भी बोला कि देखो उनसे अच्छे तरह से बात किया क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को उस लड़की के जगह में रख के वो सोचा कि हाँ शायद मेरे साथ अगर ऐसा होता तो शायद मैं भी ऐसे ही करती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गाइस, मैंने कभी भी उस टाइम पे जब मैंने उस टाइम पे उस लड़की की बातें सुना तो मैंने उस लड़की को ब्लेम नहीं किया। तो फिर बीच में ये जो 3 दिन थे हम एक दूसरे को समझने समझाने, क्योंकि उसके बाद तो मुझे पता चल गया था और इतने सारे एविडेंस जो रस्तोगी बोल रहा है वो शॉर्ट पे शॉर्ट एविडेंस, हाँ मैंने रखा है चीज़ें बिकॉज वो रस्तोगी तुम्हारे लिए नहीं था, वो था कि हम हस्बैंड वाइफ है इन फ्यूचर जाके, मैंने तुम्हें ये भी बोला था कि जाके अगर कोई प्रॉब्लम हो इन फ्यूचर वो लड़की अगर कोई प्रॉब्लम करता है वीडियोस फोटोज सोशली अगर तुम्हें बदनाम करने के लिए तो तुम टेंशन मत लो, मैं बोल दूंगी कि वो मेरी दोस्त थी दैट्स इट, मैंने तुम्हें ये भी बोला था उस टाइम पे। इतना माइंड गेम करने की ज़रूरत ही नहीं था, तुम्हें रिलेशनशिप में नहीं रहना तो मुझे क्लियर करके चले जाओ, मुझे क्यों सोशली तुम मुझे बदनाम किए हो। ऑब्वियसली दो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो झगड़ा होता है क्या होता है क्या नहीं होता है वो सोशली लाना अच्छी बात नहीं, बट हमारा रिश्ता क्या पर्सनली था, सोशली नहीं था चीज़ें। हाँ पर्सनल टॉक, पर्सनल टॉक बोलोगे तो बहुत सारे पर्सनल टॉक
मैंने यहाँ पे बोला क्योंकि मुझे करना पड़ा, तुमने मजबूर किया चीजों को, मैंने नहीं। इतने सब कुछ जानने के बाद मैं ना तुम्हारा घर गया, तुम्हारे मम्मी को ये बोला, और कभी मैंने उनसे कोई कंप्लेन नहीं किया, ना तुम्हारे फैमिली से कंप्लेन किया, ना मैं उस लड़की के घर गया, ना कोई कंप्लेन किया। बिकॉज कहीं ना कहीं ये अगर बच्चों गलती करता है तो उसका सजा माँ बाप को क्यों मिले, उसका बातें, बच्चा अगर गलती करता है तो माँ बाप को मैं जाके क्यों बोलूँ कि ये मेरे साथ ये किया है, ये मेरे साथ वो किया है, क्यों? रिश्ता जब था अच्छा है, तुम अच्छा म्यूचुअली करके अच्छे से, क्योंकि मैं मान भी गई थी, उसको जाके तुम नॉर्मली चीज़ें करते। बट मुझे लिटरली बताओ गाइज, मुझे तब इतना वो आया, तो 15 दिन। अब आता है एक और मेन पॉइंट की बात। जब बीच में चीज़ें चल रहा था तब होता ना, एक तरह से वो लड़की स्टोरीज पे स्टोरी डाल रही थी, इस टाइप का स्टोरी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी यहाँ पे, इस टाइप का वो स्टोरी डाल रहा था अपने व्हाट्सअप में। और रस्तुगी के अकाउंट से तो वो बंद था, बट रस्तुगी मेरा फ़ोन तो चेक करता था, मेरा, मैं जब भी देखती थी स्टोरी तो रस्तुगी ऑलरेडी सीन कर चुका था वो चीज़ें। तो उस टाइम पे आप लोग सोचो कि मैं किस सिचुएशन में थी, आप लोग बोलो मुझे मैं किस सिचुएशन में थी। पहले मुझे पता लगता है कि 3 महीने झगड़ा हो, जो भी चीज़, पहले मुझे पता लगता है कि वो दोस्त है, मेरी गलती है, चलो ठीक है, मेरी कहीं ना कहीं गलती है, मुझे ऐसा लोगों को नहीं बोलना चाहिए था कि वो किसी लड़की के साथ वो ये फलाना ढमकाना। चलो जब घर आती हूँ, घर आके जब सारी चीज़ें मुझे पता चलता है, सारी चीज़ें वीडियो वगैरह जब मैं देखती हूँ, देखने के बाद मैं उस टाइम पे तो गाइस, इतने सारे जो एविडेंस हैं, इतने सारे वो चीज़ें हैं, मैंने रस्तुगी के फ़ोन से ही लिए थे, ये इंटेंस करने के लिए नहीं, फ्यूचर में उसको जाके गलत इम्प्रूव करे। ये हाँ, एविडेंस मैंने लिए हैं, सारे सबूत मैंने रखे हैं, ताकि फ्यूचर में जाके वो लड़की अगर कोई प्रॉब्लम करे तो मैं जाके आप लोगों को बोल सकूं कि नहीं, वो लड़की ही था। बट मुझे ये नहीं पता था कि वो रस्तुगी गलत था या कोई भी गलत था, क्योंकि उस सिचुएशन पर मैं नहीं, लाइक मैं समझ ही नहीं पा रही थी किसी को। जब मैं लड़की के साथ बात करती हूँ तो लड़की सही लगती है, जब मैं रस्तुगी से बात करती हूँ तो रस्तुगी सही लगता था, तो चलो ठीक है। फिर जब मैंने उन लड़की को बोला, और एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ, जब वो लड़की ने बोला आपके कहने से मैं 1.5 महीना तक मैं रस्तुगी के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी, तो उसमें मैं इतना कहूँगी, डियर आप मुझे एक्सप्लेन मत करो, क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं, बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपका देख चुकी थी कि आप शुरू से ही उसके साथ रिलेशनशिप में हो। शुरू से ही रिलेशनशिप में कैसे हो, कि उस रात आप दोनों के बीच क्या हो सकता था क्या नहीं, वो मैं रस्तुगी के ब्लॉग से ही देखा। मेरे पास जो एविडेंस है वो छोड़ो, मैं रस्तुगी के ब्लॉग जो है यहाँ पे मैं उठा के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो जब मैंने ब्लॉग देखा, ये जब मैंने बाद में केयरफुली देखा, तब मुझे पता चला कि हम किसी होटल में जाते तो ऐसे कोई बलून्स टाइप या फिर लव चीज़ टाइप तो कुछ होता नहीं है, तो ये कैसे आ गया यहाँ पे? तब मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गए। ओ अच्छा, अब अनु को साइट करने के लिए अनु को बदनाम तो करना है, बदनाम लाइक अनु की गलती देके अनु को छोड़ना है। क्यों? म्यूचुअली ये सारी चीज़ें तुम लोग कर सकते थे, मुझे यहाँ पे बलि का बकरा बनाने की ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम फिर रस्तुगी का ये था कि अनु का ना यूट्यूब में कोई चैनल है, ना अनु को यूट्यूब में कोई जानता था, बट पर्सनली अनु को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, और पर्सनली अनु आके कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं रहेगा। तो मिस्टर रस्तुगी, मैं इतना बोल दूँ आपको, ठीक है, आपके साथ जो भी रिश्ता था, जो भी नहीं था, हाँ मैं सोशली ओपन थी, मेरा पर्सनल चीज़ें बात रखने का जगह नहीं था, बट इतना भी वो मत उछलो कि आपका जो चीज़ें आप कर्मकांड किए हो वो फ्यूचर में कभी नहीं आएगा। आपने जब आपका ब्रेकअप स्टोरी डाला था उस लड़की के लिए, मैं बताती हूँ, उस लड़की के लिए आपने जब ब्रेकअप स्टोरी डाला था, आपकी बातें सुन के सभी लोग जज किए, बट उस लड़की का बात कभी सुना गया नहीं गया, बिकॉज ऑफ लड़की सोशली नहीं थी, तो आप उस जगह पे ना विन हो गए, जीत गए आप। बट अब इस सिचुएशन में, अब जब मैं यहाँ पे हूँ, मैं तो सोशली हूँ ना चीज़ें, मैं कभी आपके साथ रिलेशनशिप में छुप छुपा के नहीं आई थी, जब आई थी तो सोशली शादी करने के बाद ओपन आई थी, सोशली न्यूज़ में जब गए थे तब तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा था। छोड़ो, मैं और क्या ही बोलूँ गाइज, ये था मेरा वीडियो ब्रेकअप स्टोरी के।
और हाँ ये चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, मेरा ये वीडियो लाने का मोटिव ही ये था कि वो शुरू से मुझे चीट करता आया है, बट उसने मुझे हमेशा मुझे डिफेम किया है कि मेरा गलती है। ओके, अगर मेरा गलती है तो उसको प्रूफ ज़रूर करना। मैं यहीं पे हूँ सोशल मीडिया पर, जब तक जिंदा रहूँगी मैं सोशल मीडिया पे ही रहूँगी, यूट्यूब में ही रहूँगी। तुम करते रहना, मैं उसका आंसर ले लेके ज़रूर आऊँगी, तुम्हारा एक एक क्वेश्चन का आंसर लेके मैं ज़रूर आऊँगी विथ प्रूफ के साथ, ठीक है। एंड देन होता है जब वो लड़की बोलते हैं तुमने जब बोल दिया मैंने, तो इन्होंने माइंड गेम कैसा खेला, आपको पति ढाई साल से आप जानते हो, ढाई तीन साल से जानते हो, 24 आवर्स जानते हो, तो वो उनका दोस्त कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है आपको नहीं पता, ज़रूर सबको पता होगा, इवन मुझे भी पता था। तो वो जब 10 दिन तक, हाँ ये बात करना तो मैं भूल ही गई, पॉइंट मेन पॉइंट की बात है, तो ये पॉइंट है 3 दिनों तक हम दोनों में समझाना चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, वो चल रहा था, मैं उसको समझाते थक गई, वो भी कभी समझता है कभी दिमाग खराब कर देता है, कभी सोशली चीज़ें, सोशली तो नहीं था उस टाइम पे, कोई दीदी उसको कॉल करता है, मतलब जो दीदी था उनको कॉल करके पूछता था, तो उसको बोलता था अब मैं अपने रिश्तों को अपना नए से शुरू करना चाहती हूँ, जो हो गया मैं भूल जाके, जो भी चीज़ है मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ रस्तों की। मेरे साथ 2 रात पूरे 3 दिन थे, उस दिन का भी वीडियो मैंने बनाया है, नॉर्मली मैंने बनाया है, उस टाइम पे भी मैंने वीडियो बनाया है, उस टाइम पे आप लोग वीडियो में देखोगे रस्तों की मेरे साथ नज़र नहीं मिला पा रहा था। रीज़न ये नहीं था कि मैं वो, मतलब मैं इतने दिन बाद आई हूँ वो मेरे से गुस्सा है, नहीं, वो मेरे से लिटरली नज़र नहीं मिला पा रहा था, बिकॉज मैं जब आई ना ऑलरेडी उसके यहाँ पे ना लबाइट्स के दाग अभी भी थे, मतलब 10 तारीख को वो लोग आए, 11, 12, 13, 14, 15, 5 दिन तक वो लबाइट भी मैंने जब ऐसे करके देखा, तो उस टाइम पे मतलब होता ना कैसे नज़र मिला पाएगा, जो इंसान उसने मुझे बोल के आया कि वो मेरा दोस्त है बट आफ्टर 2 मंथ बाद मैं उसको प्रपोज करूँगा, तो वो कैसे नज़र मिला पाएगा। हर चीज़ वो 10 तारीख को जाके वो अपने प्रपोजल किया, वहाँ पे जाके नाइट स्पेंड करके आया, जो भी चीज़ें करके आया, आने के बाद भी तुम अपने आप को साफ क्लियर सफाई दे रहे हो, क्यों? अब चलो मेरा तो इतना है कि चलो ठीक है, जो भी चीज़ें हुआ है तुम अपने लाइफ में हैप्पी रहो, मुझे उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बट जब बातें मेरे तक आएगा मैं तो सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। रस्तों की गलती उस लड़की की भी नहीं है, गलती मेरी भी नहीं है, कहीं ना कहीं तुमने माइंड गेम खेला हम दोनों के साथ। और एक बात, ये चीजें मैं पैसों की जब बात करते हो ना रस्तों की, मैं तुम्हें चाहे 1 रुपए भी क्यों ना दूं, तुम उस 1 रुपए का भी अगर तुम जाके अय्याशी करोगे ना तो मुझे चुभेगा, बिकॉज मैं अपने खून पसीने की कमाई करके फिर मैंने तुम्हें दिया था तुम्हारा इलाज के लिए, ना कि होटल जाके उसको होटल बुक करके सरप्राइज करना, लव वगैरह ये चीज़ें, मुझे तो लगेगा ना क्योंकि वो मेरा खून पसीने का कमाई था, पूरा दिन पूरा रात खड़े खड़े स्ट्रेटिंग करो, खड़े खड़े ये करो वो करो, पार्लर का काम करके फिर मैंने तुम्हें वो पैसे दिए थे। पैसा बड़ी बात नहीं है बट उस चीज़ का गलत यूज़ करना वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने कभी हराम का नहीं खाया है। मुझे तो तुम पे गुस्सा भी नहीं आता है, मतलब अभी मुझे लगता है कि चलो ठीक है, जो हुआ भगवान जो किया अच्छा किया, और तुम जो मेरे साथ सनी के साथ कीचड़ उछाल रहे हो ना, कुछ उछालने के पहले ना मेरा वार्निंग है, प्लीज़ एक बार चीज़ें देख लेना फिर मेरे पे उंगली उठाने आना, तुम्हें भी अच्छे तरह से पता है, ठीक है। किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर मुँह से अनशन भी बोलोगे ना वो भी गलत है। सनी आके रह रहा है यहाँ पे दिसंबर से, सनी का बात करते हो, छी कितना चीप इंसान हो, इतना चीप, अब तो मुझे पूरा ही पता है इतना चीप, और तुम्हें तुम्हारा शक्ल अब मुझे मतलब देखना भी सर, इतना चीप चीज़ें मत करो, ठीक है, तुमने जो किया। और 1.5 महीने, तो गाइज वो जो बोलते हैं ना 1.5 महीने मैं रिलेशनशिप में नहीं थी, वो लोगों का कंटिन्यू रिलेशनशिप था उस टाइम पे भी, शायद 2-3 दिन या 4-5 दिन नहीं हो सकता था, मैं बताती हूँ उन दिनों वो लड़की जब मैं आई थी 15 तारीख को, 16, 17, 18, 19 तारीख तक वो लड़की से ना बात हुआ ना कुछ हुआ, उस बीच में रस्तुगी का उस लड़की से 1 दिन या 2 दिन रस्तुगी ने उसको कॉल किया था जो भी चीज़, क्योंकि वो बीमार था, क्योंकि वो लड़की कंटिन्यू कॉल कर रहा था रस्तुगी ने दूसरे नंबर से, जब मैं कॉल उठाती थी तो वो लड़की बोलती नहीं थी, ठीक है, जब रस्तुगी कॉल किया था तो वो बात करते
एक होता ना कि हाँ मैं बहुत बीमार हूँ, मैं वो चीजें करती हूँ, ये चीजें जब तक मतलब मैं उसके साथ बात नहीं किया, चीजें चलता रहा, जब मैंने उसको क्लियर किया उस लड़की को ये सारी चीजें, तो वो लड़की ने भी समझा, तो उस लड़की ने भी अब रस्तगी हो गया पागल। अब उसका मेंटली होता ना एंजाइटी अटैक, ये अटैक मुझे इन सारी चीजों में पता ही नहीं था गाइस। तो उस एक दिन क्या हुआ, 19 या 20 उस बीच दोपहर को मतलब उसका तबीयत खराब होने लगा, तो मैं लेके गई डॉक्टर, मैं खुद लेके गई हूँ डॉक्टर, डॉक्टर के पास। उस टाइम पे जो दीदी है ना, मैंने बोला था, उन दीदी को भी मैंने इन्फॉर्म किया था, वो दीदी को मैंने इन्फॉर्म किया, तो दीदी ने बोला हाँ अच्छा ही किया। तो मैं हॉस्पिटल से मैं उन दीदी को कॉल किया था कि दीदी, तो दीदी ने पूछा था मुझे, वो जो दीदी है तो उन्होंने पूछा था कि सॉरी, वो उनको मैं दीदी इसलिए बोल रही हूँ कि मैं उनको नाम नहीं बोल सकती, इज एज अ रिस्पेक्ट नाम की जगह मैं दीदी बता रही हूँ। तो दीदी ने मुझे बोला था कि चलो अच्छा किया तुमने हॉस्पिटल लेके आया। तो फिर हॉस्पिटल में क्या हुआ मैं बताती हूँ। अब जाके ये हुआ, हॉस्पिटल तो मैं लेके गई, अब एंजाइटी अटैक आया है, जो भी चीज़ है डॉक्टर ने देखा, और मुझे नहीं पता था, और उस टाइम पे मुझे जो सही लगा मैं उसी डॉक्टर उसी हॉस्पिटल में घुस गया। उस वो हॉस्पिटल था बहुत हाईफाई लग्जरियस हॉस्पिटल, मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतना देखना था कि रस्तोगी का दिमाग खराब, लाइक रस्तोगी का तबीयत खराब हो रहा है, तो मुझे उसको हॉस्पिटल ले जाना है। तो मैं हॉस्पिटल लेके गई, ले जाने के बाद फिर उसको डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद फिर मुझे बोला कि हाँ वो कुछ नहीं है, वो परेशान है, एंजाइटी अटैक आ रहा है, अटैक आया था, तो उन्होंने दवाई वगैरह दिया, तो उन्होंने बोला मुझे 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखना है। मैंने बोला ठीक है चलो। तो फिर मैं क्या क्या करूँ क्या नहीं, वो मुझे मैंने पूछा, उनको बोला आप रिसेप्शन में चले जाओ, आप वहाँ पर बात करो। चलो ठीक है, अब गई मैं रिसेप्शन पे। रिसेप्शन में जाने के बाद उन्होंने शायद 25 या 30 हज़ार डिपॉजिट करने बोला था उसी टाइम पे कैश, और ना मेरे पास उस टाइम पे कैश इतना पैसा था और ना रस्तोगी के पास ऐसा था। मैं बताती हूँ, उस टाइम पे मेरे अकाउंट में हार्डली 3 से 4 हज़ार रुपए थे। देन मैं रिसेप्शन से लोग को आके बोला कि मैं आके बात करती हूँ। देन जाके मैं डॉक्टर को बोला अगर इनको मैंने पूछा इनको ऑब्जर्वेशन रखना ज़रूरी है, बोला नहीं ज़रूरी तो नहीं है, बट हाँ रखना रखते तो अच्छा होता, क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या टेंशन है क्या नहीं। मैंने बोला मैंने उस टाइम पर मुझे पता भी नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि सर ये कैसा, डॉक्टर को पूछा कि ये कैसे होता है, बोला सर उस टाइम पर उसने बोला कि ज़्यादा इंसान ज़्यादा टेंशन ले लेता है ना, तो वो चीज़ें होता है, तो कहीं ना कहीं इनका कुछ टेंशन वगैरह है, मुझसे पूछा। तो मैंने बोला नहीं वो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे उस चीज़, क्योंकि हम लोगों के बीच में क्या चल रहा था मैं उसे ओपनली डॉक्टर को तो नहीं बोल सकता। तो मैंने बोला कोई नहीं आप दवा दे दीजिए। देन मैंने ये नहीं किया था कि रस्तोगी को मैंने बोला कि तुम रुको मैं घर जा रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ। जब मैं रस्तोगी ने सुना तो रस्तोगी बोला कितना पैसा लग रहा है, वो समझ गया। तो मैंने बोला 25 हज़ार 30 हज़ार कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा डिपॉजिट करने बोल रहा है, तो नहीं सॉरी, तो रस्तोगी ने बोला तुम जाकर डिपॉजिट कर दो। रस्तोगी को उस टाइम पे लगा कितना ही लगेगा, 5 हज़ार 6 हज़ार 7 हज़ार 8 हज़ार या 10 हज़ार लगेगा, ठीक है। तो फिर मैंने बोला उसने बोला मुझे बस एडमिट कर दो, रस्तोगी ने बोला, तो ठीक है एडमिट करने का। फिर मैंने उसको बोला कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, रस्तोगी को, तो उसने बोला कोई बात नहीं तुम जाके वो करो, उस टाइम पे कोई बात नहीं तुम जाके बस भर्ती कर दो मुझे और कुछ नहीं, वो खुद बोल रहे हैं कोई बात नहीं तुम जाके बस मुझे भर्ती कर दो, ठीक है। अब जाके मैंने जब गई, जब पैसे की बात आई तो मैंने आके रस्तोगी को पूछा तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे है, तो रस्तोगी ने बोला मुझे 8 हज़ार है मेरे अकाउंट में। तो फिर मैंने जाके, मेरा तो सर घूमा, चलो ठीक है उधर 8 हज़ार है, मेरे पास 3 हज़ार है, 8 9 10 11 11 हज़ार टोटल हुए। तो मैं अब रिमाइंडिंग जो 30 हज़ार अगर उन्होंने बोला है, तो मैं माँ के घर से 25 हज़ार मैं बोलूँगी तो माँ दे देंगे, मुझे पता है कि कोई भी बीमार होता है ना ऑब्वियसली मेरा घर सामने है, तो ऑब्वियसली मैं जाऊँगी तो वो दे देंगे। तो मैंने बोला रुको रुको रस्तोगी मैं घर जाके पैसे ले आती हूँ। तो फिर उस टाइम पे रस्तोगी ने बोला नहीं नहीं मुझे अब नहीं रहना है, उस टाइम पे उसने नहीं रहा वहाँ पे। तो मैंने बोला तुम ठीक हो ना, बोला हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो अब मुझे लगता है कि उसको सिर्फ एविडेंस चाहिए था उस चीज़ का कि वो मेंटली बहुत बीमार है, चलो ठीक है मेंटली बहुत बीमार है। अब जाके उसने क्या किया, वो छुट्टी ले लिया। तो मैंने बोला चलो ठीक है, जितने सारे मेडिसिन वगैरह दिए थे तो वो मेडिसिन वगैरह हमने लिए। लेने के बाद फिर मैंने वो दीदी को कॉल किया कि दीदी ऐसा ऐसा चीज़ें है, ऐसा ऐसा, बोलो तुम लोगों में तो मुझे लगा सब ठीक हो गया, बोले हाँ ठीक हो गया बट उसका तबीयत खराब हुआ इसलिए हम डॉक्टर के पास आए थे, डॉक्टर देखा अभी हमारे बीच सब कुछ ठीक है दी, आप टेंशन मत लो। तो बोला हाँ चलो तुम लोग हैप्पी रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, दीदी ने ये बोला, थैंक यू। देन जाके फिर जाके हम वहाँ पे वो बनाते हैं कैमरा,
तब जब डॉक्टर के पास गए तो मेडिसिन वगैरह दिया लिया, फिर उसके बाद उसका चश्मा भी टूट टूट गया था। मैंने जाके उसको चश्मा भी वो कर दिया। अब उस चश्मे के वहाँ पे जब हम लोग गए तो उसको उसके ब्लैक फ्रेम में उसको उसका फेस जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा वो करता है। देन वो ऐसे ही मेंटली मुझे उतना वो किया। देन मुझे गोल्ड कलर का फ्रेम लेना है। उस टाइम पे मेरे पास था ही नहीं उतना पैसा, 2000 ऐसा था समथिंग। तो फिर मैंने बोला कि क्योंकि मार्केट वर्केट भी गए थे, मैं उसी दिन मैंने अपना हेलमेट भी लिया था, तो मैंने बोला कि एक ब्लैक वो गोल्डन कलर का फ्रेम जो ब्रांडेड है वो बहुत महंगा बता रहा है, तुम अभी कम उसमें ले लो, और गोल्डन फ्रेम में तुम्हारा फेस अच्छा भी नहीं आता। तो वो उस टाइम पर बोलता है मनी मनी रॉयलिटी क्या लॉयलिटी दिखता है गोल्डन में, तुम्हें क्या पता। मतलब इनडायरेक्टली मुझे ये कर रहा था कि हाँ लॉयलिटी दिखता है गोल्डन उसमें, ब्रांड में लॉयलिटी दिखता है। मुझे तो पता नहीं होगा बिकॉज मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं। चलो ठीक है, अब जाते हैं हम डोसा खाने। तो डोसा खाते जब खा रहे थे उस टाइम पे वो क्या बोलता है, तुम्हें पता है उसको डोसा बहुत पसंद है इसीलिए मैं खा रहा हूँ। अब सोचो कि आपकी पति इतना सब कुछ गलत करने के बावजूद भी, अब वो उस टाइम पे डॉक्टर दिखाने के बाद मेंटली जो चीज़ है वो मेंटली मेरे को टॉर्चर कर रहा था। अब मैं उसको कुछ बोल भी नहीं पा रहा था बिकॉज उसका दिमागी ऑलरेडी डॉक्टर दिखा के आए हैं, तो मैं उसको क्यों बोलूँ, इसलिए मैं चुप थी, मैं बस सुनती रही। आप सोचो उस टाइम पे मुझ पे क्या बीत रहा था। वो मुझे बोल रहा था कि तुम्हें पता भी है उसका, क्योंकि उस टाइम पे मैंने सब कुछ देख लिया था चीज़ें, और वो उसके साथ जाना चाहता था, और मुझे ये था कि ठीक है वो लड़की जो भी चीज़ें हैं उनका बीमार है, जो भी चीज़ें हैं मैं इतना बोल रही हूँ कि तुम किसी का लाइफ बर्बाद मत करो, किसी के पैसे के लिए किसी के पास मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे आंखों में साफ दिख रहा है तुम उसको प्यार नहीं, जस्ट बिकॉज तुम्हारा पैसा और एक चीज़ वही और कुछ नहीं। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, मुझे कोई वो नहीं है। मुझे देखो ब्रेकअप कोई किसी के साथ लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है, अगर तुम्हें ब्रेकअप करना है तो म्यूचुअली तुम करके चले जाते, मुझे कोई वो नहीं था। बट तुमने मेरे को ही पोक क्यों किया, मेरे को ही वो क्यों किया, मेरा यही क्वेश्चन था। अभी तो वो भी नहीं है बिकॉज मुझे जो बोलना था मैंने सोशल मीडिया पे अपने बात रखा अपना सारे चीज़ें। तुम मुझे एलिगेंट लगाते थे कि तुम बेहोश होके गिर गए थे, और उस टाइम पे तुम्हारा उस बेहोशी का फ़ायदा उठा के मैंने तो तुम्हारे फ़ोन से सब कुछ लिया। तो मैं इतना पॉइंट रखना चाहूँगी, अगर तुम बेहोश थे तो तुम्हारा फ़ोन मैं कैसे ओपन कर सकती हूँ, अगर तुम मुझे पासवर्ड वगैरह नहीं देते तो। ऐसा ना नहीं होता है, बेतुकी बातें मत करो, जो चीज़ें हुआ है ना रियलिटी वो बोलो आके। आप झूठ एक बार बोलोगे, आज आपको एक चीज़ अगर मैं पूछूंगी ना गाइस, आप लोग अब मुझे कोई बात पूछोगे ना जो सच होगा मैं वही आपको बोलूंगी, देन 10 साल बाद जाके भी आप सेम वही क्वेश्चन मुझे पूछोगे ना, अगर मैं सच बोलूंगी तो वही चीज़ें मैं उस टाइम पे भी क्लियरली बोलूंगी, अगर मैं झूठ बोलूंगी तो आपका 10 साल का पहले का आंसर और 10 साल की बात की आंसर कभी मैच नहीं होगा। क्योंकि झूठ हम बोल लेते हैं बट झूठ हमें याद नहीं रहता, बट सच जो होता है ना, जो चीज़ें सच होता है वो हमारे ब्रेन में बैठ जाता है कि ये हुआ था उस दिन। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें मैं नहीं भूली हूँ, और मैं बार बार यही बोलूँगी कि हाँ उसने मुझे चीट किया है, और इतने गंदे तरीके से चीट शायद कोई किसी को नहीं करता। मेंटली टॉर्चर, मेंटली मतलब तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेलना, जो भी चीज़ें हैं। और एक पॉइंट की बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब रस्तोगी ने देखा मैं उसका सारे गलती देख के भी मैंने उसको माफ़ कर दिया सब कुछ होकर के, मैं नॉर्मली उसके साथ रह रही थी, तो वो लिटरली होता ना अपने नज़र में गिरने के बाद इतना गिर गया तो रो पड़ा। क्यों रो पड़ा, हम गए थे घर के सामान लेने के लिए, सब्जी वगैरह लेने के लिए मार्केट गए थे सब्जी बाजार पे। तो वहाँ पे एक इंसान ऐसे कुछ एज 35-40 का होगा, एक वो इंसान लड़का वो ड्रंक था, तो वो ना मुझे गंदे नज़र से देख रहा था, तो उसमें उसको वो चीज़ें हजम नहीं हो रहा था। तब मैंने उसको समझाया, देखो तुम तो मुझे प्यार नहीं करते तो तुम्हें क्यों जलस हो रहा है, तुम उस चीज़ को बहुत कंफ्यूजन में हो रस्तों की, तुम अपने आप को क्लियर करो। मुझे कोई भी देखे, कोई भी वो करे, या मैं किसी को भी देखो, तुम्हें उस चीज़ में फ़र्क नहीं होना चाहिए था, तुम क्यों क्लियर नहीं हो। फिर जो वो आया, हम लोग जब घर पे आए, आने के बाद नीचे हमारा जो फ्लैट है जो अपार्टमेंट में नीचे गार्डन में बैठ के वो बहुत रोया, उसके साथ साथ मैं भी रोई
कि अनु मैं नहीं झेल सकता इन 2 मिनट में जो चीजें हुआ है, तो तुम कैसे झेल रहे हो। मैंने बोला कि देखो जो भी चीजें हैं तुम इस चीज़ को भूल जाओ, उस टाइम को क्या गलती हुआ क्या नहीं हुआ, मैं क्या झेल रही हूँ, तुम इन सारी चीज़ों में सोचो ही मत इन सारी चीज़ें। देन जाने के बाद वो सारी चीज़ें हुआ, डॉक्टर भी दिखा, वो भी आप लोगों को बताया। देन वो ना रह नहीं पा रहा था, उसके लिए मेरा जो प्यार था प्योर था जेन्युइन था, इसलिए उसने क्या किया, वो रह नहीं पा रहा था। देन वो क्या किया, वो स्कूटी लिया, ऐसे झगड़ा किया, अपने आप से ही झगड़ा कर रहा था। स्कूटी लिया, लेने के बाद फिर जाके, क्योंकि उस टाइम पे वो जब भी झगड़ा कर रहा था मैं भी झगड़ा कर रही थी, लिटरली मैं कितना सहूँ, लिटरली तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। फिर मेरे को तो सोशली आके तुम लोग बोलो कि तुम लोग रिलेशनशिप में थे, अनु को मैंने चीट किया, फिर तुम गए क्यों तुम लोगों को। तो गाइज ये था मेरा स्टोरी, और होप मैं प्रे करती हूँ कि मेरे साथ जो भी चीज़ें गेम खेला गया है, जो भी चीज़ें किया गया है, वो चीज़ें किसी के साथ ना हो। जो एविडेंस की बात कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, तो हाँ एक उस टाइम पे एक वाइफ के नाते वो सारी चीज़ें मैं रखी थी, बट कहीं ना कहीं मैंने वो चीज़ को कभी ये ऐसा नहीं सोचा था कि वो चीज़ें इस तरह की मैं सोशल मीडिया पर लाऊँगी, सारी चीज़ें होगा कि जो मेरे साथ हुआ है। तो शायद ये चीज़ें, अगर ये चीज़ें जो आया है ना, ये शायद फ्यूचर में भी आता, अगर रस्तुगी मेरे साथ होता तो भी शायद आता, अगर नहीं आया है तो आ ही तो गया आप लोगों को। और ये जो सारे मैंने जब एविडेंस सारे लिए थे, उस टाइम पे मैंने रस्तुगी को क्लियरली बोला था कि देखो ये जो लड़की का सीन है, मैं तो देख रही हूँ तुम्हें, क्योंकि जो मैं देख रही थी वीडियो में फोटोज़ में, कि ये लड़की बस तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है और कुछ नहीं है, हाँ बीमारी के आड़ में तुम्हारा वो चीज़ें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ये लड़की को बर्दाश्त नहीं होगा कि हम दोनों साथ में हैं, हम दोनों का नाम हो रहा है, चीज़ें हो रहा है, तो ये आगे जाके फ्यूचर में जाके मेरा नाम तुम्हारा नाम बदनाम करेगा। तो इसलिए इस वजह से मैं एविडेंस मैंने तुम्हारे फ़ोन से सारे लेके मैंने अपने फ़ोन में लेके सेव करके रखा है, एक जगह पे एक पेन ड्राइव में मैंने सेव करके रखा है, तो तुम टेंशन मत लेना चलो। और उसके बाद मैंने बोला कि देखो तुम शायद प्योरली तुम इस लड़की के साथ जो भी चीज़ें था तुमने शायद किया होगा, बट मैं इतना बोलूँगी कि इसको बस डिलीट कर दो। मैंने सारे जितने भी रस्तुगी के फ़ोन में जितनी भी चीज़ें था मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद फिर मैंने बोला देखो जितना देखोगे इन लड़की को ये सारे मोमेंट को, उतना ही शायद तुम मेंटली टॉर्चर होगे, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेंटली टॉर्चर नहीं हो तुम। तो क्या ये मेरा गलत था? कहीं ना कहीं उस टाइम पे मेरा राइट्स था, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें किया। और ये लड़की को दिमाग में समझ ही नहीं आया कि अनु को अगर इतना ही होता तो उसी टाइम पे तुम्हारे घर पे जाके रस्तुगी, जब यहाँ से और एक पॉइंट की बात, रस्तुगी जब बोलता है ना कि मैं घर छोड़ के भाग के चला गया था, क्यों? बिकॉज एक तो मेरे से नज़र नहीं मिला पा रहा था, दूसरा मुझे पता लग रहा था कि मुझे इतना वो फील करा रहा था कि वो लड़की रस्तुगी के पीछे पागल है, रस्तुगी नहीं है, जो रस्तुगी उसके पैसे के पीछे नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है। उसके बावजूद रस्तुगी क्या किया, एक गेम खेला उसने, वो जो डॉक्टर दिखाया वो तो गाड़ी के डिक्की में ही था, तो गाड़ी के डिक्की में पुराना चश्मा था, डॉक्टर का पर्ची था, फिर और कुछ शायद डॉक्यूमेंट्स थे। तो मैं जब रस्तुगी के उस दिन 19 तारीख इन दोनों डेट में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, सॉरी हाँ, तो उस टाइम पे रस्तुगी क्या किया, गाड़ी का स्कूटी लिया, बिकॉज झगड़ा बहुत कर रहा था, स्कूटी लेके चला गया। तो मुझे लगा कि इंसान कहाँ जाएगा, घर पे ही तो आएगा घूम फिर के वापस, कहाँ जाएगा, यहाँ पे आसपास ना उसका कोई फ्रेंड है ना कोई कुछ है, तो चलो ठीक है अगर जाएगा भी तो टाइम स्पेंड करेगा घूम के यहीं पे आएगा, बिकॉज वो स्कूटी लेके गया, स्कूटी लेके तो रामपुर नहीं जा सकता है। तो स्कूटी लेके गया, और वो इंसान क्या किया, स्कूटी लेके गया मेरे घर पे, गया राज को लिया, राज को लेके यहाँ पे आके वहाँ पे जो चेक पोस्ट था, चेक पोस्ट में उसने राज को बोला, चेक पोस्ट सिलीगुड़ी का जो चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट में आके, क्योंकि वहाँ से सारे गाड़ियाँ सिक्किम वगैरह जाते हैं चेक पोस्ट से, तो रस्तुगी ने क्या किया, चेक पोस्ट में राज को गाड़ी दिया, बोला तू घर चला जाना ठीक है, मैं अपने दोस्त के यहाँ पे जा रहा हूँ, बोल के राज तो चला आया स्कूटी लेके।
और उसी टाइम पे वो चला गया, तो इसीलिए वो ऐसे करके घर से गया। अगर वो बोल के जाता तो शायद मैंने उस टाइम पे मैंने उसको बोला देखो आओ चीजें लो, चीजें लेके चले जाओ, बिकॉज मैं भी मेंटली टॉर्चर सहन नहीं कर सकती, तुम भी नहीं कर सकते, दोनों कहीं ना कहीं मेंटल टेंशन में है, तो तुम अपना सामान लेके प्लीज चले जाओ। और स्नूपी का क्या करोगी, बिकॉज उस टाइम पे स्नूपी इतना पागल था। मैंने ये भी बोला कि तुम्हें स्नूपी को भी लेना है तो उसको भी लेके जाओ, बट तुम अपना सामान लेके जाओ एटलीस्ट। तो गया, और जाने के बाद फिर जब मैं उसको स्टोरी अपलोड वगैरह सब तो देखती थी, देखने के बाद उसने वहाँ पे जाने के बाद फिर ब्रेकअप स्टोरी भी डाला। तब तक मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ गया था, चेक पोस्ट से वो गया था इतना तो मुझे पता है, चेक पोस्ट से तो सिक्किम का गाड़ी जाता है। तो जब चेक पोस्ट से गया तो भूटान गया कि क्या, बाद में मुझे पता चलता कि वो भूटान गया, उनके ही प्रेजेंट बोलते थे। तो डियर मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूँ, देखो तुम लोग अभी साथ हो क्या हो मुझे उस चीज़ से कोई बात नहीं, बात चीज़ें जो मैं झूठ की आती है ना तो मैं वो झूठ तुमको क्लियर कर देती हूँ। जब वो चीज़ें रस्तों की जब यहाँ से गया 10 दिन तक उसका ना फ़ोन, मैंने उसको उस बीच में भी मैंने उस दिन एक दिन कॉल किया था कि तुम ठीक हो, कहाँ पे हो, बस मुझे इतना बता दो मैं तुम्हें सामान। तो ये चीज़ें 10 दिन बाद की बात है, वो जब घर जाने के बाद जब मेरे नाम का वीडियोज़, मेरे नाम का ये वो फलाना ढमकाना आप लोग देख ही चुके हो पूरा सोशल मीडिया पे, मेरे नाम का कचरा, इवन लाइव में आके ब्लॉग में आके ये करता था, खाना बनाता था, वो ये सब ज़रूरी था? ठीक है, तुम एक साल दो साल तीन साल पाँच साल एक रिलेशनशिप में रहते हो, वो चीज़ें ब्रेक हो जाता, देन आफ्टर दैट तुम अपना लाइफ जियो, वो भी अपना लाइफ, मैं भी अपना लाइफ जियो, बट नहीं, ये किया था तो तुम में, तुम्हें ही अगर सब कुछ किया होगा तो तुमके ऑपोजिट वो चीज़ें तो आएगा ना, कि तुमने अगर खाना बनाया तो वो पर्सन ने क्या किया। तुम अगर बोलते थे कि तुम बेहोश होके गिर जाते हो, फेंट होके गिर जाते हो और तुम्हें कोई खाना नहीं देता है, तुम पूछते हो, तो तुमने ये नहीं पूछा कि तुम डेली शराब पीते थे? शराब ऑब्वियसली एक इंसान जब डेली शराब पी के सोता था, उनका एक हैबिट था, तो उसके वाइफ को क्या लगेगा कि वो शराब पी के सोया हुआ है, वो बेहोश है? चीज़ें ना बोलो, बट उतना ही बोलो, सजा के थाली में सजा के कुछ और सजाने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जो मुझे बोला है वो मैं आज भी अगर बोल रही हूँ, अगर 10 साल बाद मुझे यूट्यूब में आके क्लियर करना पड़ेगा ना तो भी मैं क्लियर करूँगी कि उस टाइम पे ये सिचुएशन हुआ है। और जहाँ रही तुम मेरी बात करते हो कि हाँ तुम ऐसी तुम वैसी, एटलीस्ट तुम्हारी तरह मैंने गेम नहीं खेला है, तुम्हें भी ये चीज़ें अच्छे से पता है। हाँ, ये चीज़ें आप लोगों को मतलब मुझे ना रह के याद होता है। फिर ये क्या हुआ, उनके गर्लफ्रेंड बोलता है 1.5 महीने तक उसके साथ मेरा कोई वो नहीं, चलो ठीक है। रस्तु भी जब यहाँ से चला जाता है 10 दिन बाद वो ब्रेकअप अनाउंस करता है यूट्यूब वगैरह में, तो चलो ठीक है ब्रेकअप हो गया। उसके बाद भी उसके बहुत सारी सीरीज आए थे, मतलब ब्लॉगिंग में ही उसने बहुत कुछ बोला था मुझे, ये वो फलाना ढमकाना, ठीक है, करने के बाद भी। तब एक दिन तीज के दिन रस्तु की को, उस टाइम पे भी मैं उसको फॉलो करती थी रस्तु की को, तीज के दिन वो उसका एक फ्रेंड का हाथ दिखाता है, उसके घर में है वो फ्रेंड। मतलब तीज होता है आपका, आई थिंक मैं एक सेकंड देखती हूँ, हाँ डेट देखती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैंने कैलकुलेशन किया था, डेट वही निकल के आया था। डेट तीज, तो तीज था तुम्हारा। तो तुम बोलते हो ना कि तीज पे, तो 1.5 महीना कैसे, तुम तो तीज पे उसके घर पे थे, जो भी चीज़ें था ये था वो था, तुम लोगों का रिलेशनशिप ऐसे ही चल रहा था, तुम लोग ऑलरेडी कंटिन्यू थे, तो वो चीज़ें मैं जानती हूँ। फिर तुम्हें जब पता चल गया, अनु को पता चल गया, आप तो लोगों को बोल देगा, तब तो मेरे से भी हिडन किया गया है चीज़ें। जब तुमको ये लगा तुम लोगों से भी झूठ बोल रहे हो, लिटरली अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना तो उसको कभी झूठ नहीं बोलते हम, चाहे हम कितना भी गलती करें हम उसको सच बोल के ही रिश्ता आगे बढ़ाते हैं, झूठ बोल के नहीं। तो गाइज ये था सब कुछ प्रूफ विद प्रूफ के साथ। आप लोग को आप लोग अगर मेरे जगह पे होते तो आप लोग क्या करते, आप लोगों को क्या लगता लाइक कौन गलत है कौन सही है? मुझे ये प्रूफ नहीं करना था, मुझे बस इतना ही करना था कि मेरे सर पे जो ब्लेम लगाया हुआ है कि अनु की गलती है, ये है फलाना है ढमकाना है, वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर किया है आके। अगर ये चीज़ मैंने, तो मेरा ब्रेकअप स्टोरी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आफ्टर दैट अगर कोई कॉन्टेंट आता है मेरे खिलाफ तो मैं तो बोलूँगी विथ प्रूफ के साथ ही बोलूँगी,
और मुझे कुछ नहीं बोलना है आगे की चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं। तो गाइस आज तक का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मुझे पता है बहुत लंबा हो गया है, बस ये तक समाप्त है चीज़ें। और इसके बाद भी अगर कोई चीज़ उठता है मेरे खिलाफ तो मैं वो एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने ज़रूर करूँगी, बिकॉज वो मेरा राइट्स है, कहीं ना कहीं मेरा फ़र्ज़ है मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें क्लियर करूँ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।